हेलो स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉरेन एक्सचेंज ओके नाउ इस टॉपिक के बारे में मैंने दो तीन प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई किया है ओके पॉइंट नंबर वन मैंने ऑब्जर्व किया गाइस कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का फॉरेक्स बेसिक्स आर नॉट वेरी स्ट्रांग ओके ये चैप्टर टफ नहीं है अगर मैं डेरेवेटिव के साथ कंपेयर करूँ तो रेलिटिवली काफ़ी ज़्यादा ईजी है बहुत ज़्यादा वराइटी नहीं है टॉपिक्स के अंदर में दे आर सिंपल टू अंडरस्टैंड लेकिन अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आपको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ लगेगा ओके पॉइंट नंबर टू कोई भी टॉपिक हो चाहे वो फॉरेक्स हो चाहे वो डेरिवेटिव हो चाहे वो पोर्टफोलियो हो ये सारे अपने आप में वास्ट डिसिप्लिन होते हैं ये छोटे टॉपिक्स नहीं है ये अपने आप में यूज हैं तो सी ए फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि आपको इन टॉपिक्स के अंदर या इन चैप्टर्स uh, के अंदर क्या क्या पढ़ना है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो उसके लिए स्ट्रक्चर फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होगा दैट वॉट आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर एंड इन वॉट फ्लो वी आर गोइंग टू मूव पॉइंट नंबर थ्री एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस लेक्चर्स ओके दीज लेक्चर्स आर रिविजन लेक्चर्स ओके तो आई अज्यूम दैट सारे बच्चों का ऑलरेडी ये सब्जेक्ट पढ़ के हो चुका है किसी न किसी फैकल्टी के साथ ऑल ऑफ देम आर यूनिक एंड ऑल ऑफ देम आर गुड ओके लेकिन हर आदमी का पढ़ाने का तरीका भी अलग अलग होता है एंड दैट इज वाई मैं टॉपिक्स को गैज स्क्रेच से ही चालू करना पसंद करूंगी आई वुड नॉट वॉन्ट टू स्टार्ट विद द एडवांस लेवल ओनली बिकॉज फिर आपके समझने में और मेरे बोलने में गैप रह जाएगा वो हमें नहीं चाहिए ओके वी वॉन्ट थरू एंड थरू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कंप्लीट द होल टॉपिक ऑफ फॉरिक्स इन अ स्पैन ऑफ फाइव टू सिक्स आवर्स इन टोटल नॉट मोर देन दैट ओके मैं आगे बढ़ूं, बेसिक्स चालू करूं, उसके पहले आप स्ट्रक्चर फ्लो चेक करो कि आपने क्या क्या स्टॉक बैच में कवर करने वाले हैं ओके लुक एट दैट स्ट्रक्चर फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बेसिक्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करेंसी ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट ओके देन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन ये कोई टॉपिक नहीं है लेकिन मैंने फिर भी इसको अलग से लिया है ओके okay? एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन में आई आर पी थियरी आएगी पी 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 आएगी इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट आएगा कैश मैनेजमेंट ऑफ अ मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन कैंसलेशन एक्सटेंशन एंड अर्ली डिलीवरी ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है अपकमिंग एग्जाम्स में और ऑफलेट एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा है आगे फिर से पूछेंगे देन प्रेपरेशन ऑफ नोस्ट्रो अकाउंट एंड एक्सचेंज पोजिशन ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी दिनों से नहीं पूछा है टाइप्स ऑफ एक्सपोजर ट्रांजेक्शन एक्सपोजर ट्रांसलेशन और अकाउंटिंग एक्सपोजर ऑपरेटिंग एक्सपोजर और इकोनॉमिक एक्सपोजर इन टॉपिक्स के सब हेडिंग्स भी हैं ओके okay? जब वो टॉपिक डील करूंगी तब आपको मैं वो वाइफर्केशन दे दूंगी यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल लेट्स स्टार्ट विथ बेसिक्स ऑफ फॉरन एक्सचेंज ओके तो सबसे पहला जो टॉपिक आया है uh, वो है डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कोर्ट मैं आपको बता दूं ऑल इन ऑल इसमें रफली नाइन टू टेन सब हेडिंग्स आते हैं बेसिक्स में ओके okay? वो करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको फॉरेन एक्सचेंज का सम रीड करने में दिक्कत होगी सो so, फटाक से शुरू करते हैं कैसे डायरेक्ट कोर्ट वर्सेज इन कोर्ट आप एग्जाम्पल देखो सपोज करो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखती हूँ रुपी पर डॉलर इज इक्वल टू सेवेंटी ओके तो डायरेक्ट कोर्ट का डेफिनेशन होता है व्हेन अ कोटेशन इज सच दैट फॉर एवरी यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी सम यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज कोटेड देन दैट कोटेशन वुड बी कॉल्ड एज अ डायरेक्ट कोर्ट ओके क्योंकि हम इंडिया में हैं तो इस केस में आपको नेचुरली ये देख के पता चल जाएगा कि ये कोटेशन डायरेक्ट है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना जब आपकी घर की करेंसी लेफ्ट में होगी तो वो कोटेशन डायरेक्ट है मैं दोनों नहीं बोलूंगी वरना कंफ्यूज कर जाओगे ओके okay? सिमिलरली अगर मैं लिखूं डॉलर पर रुपी ओके तो वो हो जाएगा वन डिवाइड बाई सेवेंटी एंड दैट गिव्स मी जीरो पॉइंट जीरो वन फोर टू नाइन

यूएस में रहती हूं तो यूएस वालों के लिए ये कोटेशन डायरेक्ट होगा इंडियन के लिए इनडायरेक्ट होगा ओके सो वैन द कोटेशन इज सच दैट फॉर एवरी वन यूनिट ऑफ फॉरन करेंसी सम यूनिट्स ऑफ होम करेंसी इज कोटेड देन सच अ कोटेशन विल बी कॉल्ड एज अ डायरेक्ट कोट बट वैन द कोटेशन इज सच दैट फॉर एवरी वन यूनिट ऑफ होम करेंसी सम यूनिट्स ऑफ फॉरन करेंसी इज कोटेड देन इट इज़ कॉल्ड एन इनडायरेक्ट कोट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज पे अटेंशन सी सिक्स रुपीज सिक्सटी फाइव पर डॉलर अगर इंडियन है हम लोग तो ये कोटेशन डायरेक्ट है अगर हम लोग इंडियन हैं तो ये कोटेशन इनडायरेक्ट है ध्यान दीजिएगा ओके इजी के लिए अगर आपकी घर की करेंसी लेफ्ट की तरफ है तो इसका मतलब वो कोटेशन डायरेक्ट है वाई से इनडायरेक्ट होगी ओके नाउ टू वे कोटेशंस एक बात हमेशा आप ध्यान रखो कोई भी बिजनेस मॉडल हो या कोई भी धंधा हो कभी भी किसी चीज़ का कोटेशन सिंगल नहीं आएगा डबल आएगा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सपोज करो कि ये मोबाइल एक मोबाइल आप ख़रीदते हो तो आप अमाउंट पचास हजार रुपया पे करते हो दुकानदार को खरीदने के लिए अगर वही मोबाइल अगर आप बेचने जाओगे तो आपको पचास हजार नहीं मिलेगा मैं एक रीजनेबल अमाउंट रखूं तो भी आपको सपोज फोर्टी फाइव थाउजेंड मिलता है तो आप ये याद रखना है गाइज आपको यहाँ पे कि इस कोटेशन के अंदर में इस कोटेशन के अंदर में याद रखना इस कोटेशन के अंदर में ये जो डॉलर है ना ये वाला डॉलर ये आपका मोबाइल है ओके okay? तो ये कोटेशन किसकी है कभी भी करेंसी के पेयर में दो ही रोटेशन uh, होंगे ओके okay? या दो करेंसी होगी फॉर एग्जांपल इस कोटेशन में रुपी है और डॉलर है दो से ज़्यादा हो ही नहीं सकते ना ओके okay, तो राइट हैंड साइड में ओके राइट हैंड साइड में जो करेंसी है वो मोबाइल की तरह ट्रीट होगी ओके okay, तो आप मुझे बताओ अगर ये मोबाइल है राइट हैंड साइड में जो भी करेंसी होगी वो आपका मोबाइल है तो आप मुझे बताओ मोबाइल खरीदने के लिए कौन सी रेट ज़्यादा वाली रेट सेवेंटी मोबाइल बेचने के लिए कौन सी रेट छोटी वाली रेट सिक्सटी फाइव पर डॉलर एक दुकानदार इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो उसका मार्जिन होगा वो उसका स्प्रेड होगा ओके okay? मैक्सिमम बच्चों ने बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीखा हुआ होता है ओके okay? क्यों क्योंकि कोटेशन बैंक देती है लेकिन मुझे आप एक बात बताओ मेरे तरीके से आई एम नॉट सिंग अदर पीपल आर रॉन्ग और समथिंग मेरे तरीके से अगर मैं खुद के लिए सोचूं तो फॉरेक्स में जितने भी सम्स बनते हैं वो सारे सम्स कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं इम्पोर्टर एक्सपोर्टर बोरओवर इन्वेस्टर एंड सो ऑन ओके तो ये लोग कौन है ये लोग तो कस्टमर है क्लाइंट है ओके okay? तो इनको खरीदना है इनको बेचना है इम्पोर्टर इंडिया में इम्पोर्टर है डॉलर वन लाख का उसने माल यूएस से इम्पोर्ट किया है इंडिया में है तो डॉलर उसके पास होगा नहीं उसको डॉलर खरीदना पड़ेगा और तब जाके वो पेमेंट करेगा जाएगा बैंक के पास में तो अपन क्या बोलेंगे डॉलर की शॉप है डॉलर की शॉप है का मतलब जो कोटेशन बैंक ने आपको दिया उसमें राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर right में डॉलर है क्या इस कोटेशन को मैं देखूं तो डिनोमिनेटर में डॉलर है मतलब डॉलर डॉलर की है. की शॉप शॉप है। में हम डॉलर बाय कर सकते हैं किस रेट पे सेवेंटी पे क्योंकि डॉलर अपना मोबाइल है यू विल ऑलवेज बाय एट हाई एंड यू विल ऑलवेज सेल एट लोअर रेट दैट इज द मार्जिन ऑफ द डीलर ओके सो so, अगर मैं इम्पोर्टर हूँ अगर आप इम्पोर्टर हो आप बैंक के पास जाओगे और आप बोलोगे भाई मुझे एक डॉलर चाहिए तो बैंक क्या बोलेगा आप मुझे सत्तर रुपया दो बदले में एक डॉलर लेके जाओ अगर आपने माल एक्सपोर्ट किया है यहाँ से इंडिया से ओके यूएस तो आपको डॉलर्स आने वाले हैं वहाँ से सामने वाला आपको डॉलर भेजेगा इंडिया में आप क्या करोगे उसको आपको बेचना पड़ेगा कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीस में सो so दैट कि आप उसको इंडिया में यूज़ कर पाओ आप बैंक के पास जाके बोलोगे बस ये डॉलर आप ले लो बैंक आपको बदले में सिक्सटी फाइव रुपीज़ पे करेगा अगर बैंक के पास दो लोग आए एक एक डॉलर के लिए एक आया खरीदने के लिए एक आया बेचने के लिए तो बैंक बीच में पाँच रुपया पर डॉलर पे मार्जिन बनाएगा ये तो मेन बिजनेस से आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो यू कैन मैनेज इट बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ चीज़ों को कंट्रोल में रखना पड़ेगा अपन रैंडम नहीं सोच सकते ओके सो द लोअर रेट इज कॉल्ड बिड एंड द हायर रेट इज कॉल्ड आस्क मैंने ऐसी लैंग्वेज क्यों यूज करी क्योंकि एग्जाम में ऐसा पॉसिबल है कि वो लोग सेवेंटी स्लैश सिक्सटी फाइव देंगे आपको इसका ये मतलब नहीं है दैट सेवेंटी इज बिड एंड सिक्सटी फाइव इज आस्क ये इम्पॉसिबल है उन्होंने उल्टा दिया है रेट्स को सीधा करो कम वाली रेट हमेशा बिड होगी ज्यादा वाली रेट हमेशा आस्क होगी ओके वी विल ऑलवेज बाय डॉलर एट हाई रेट सेल डॉलर एट लोअर रेट ओके आगे बढ़ते हैं सिंथेटिक कोटेशंस सिंथेटिक कोटेशंस का मतलब होता है सपोज कि एक मैं बैंक के पास जाती हूं और बैंक मुझे बोलता है स्पॉट डॉलर पर रुपी सो वन डिवाइड बाई सिक्सटी फाइव सपोज जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव थ्री एट फोर सिक्स ये रेट बताया बैंक ने मुझे अगर मैं इंडियन हूँ तो मुझे ये रेट कंफर्टेबल नहीं लग रही है मैं सोच रही हूँ काश मुझे बैंक रुपी पर डॉलर में बताए तो मुझे समझ में आएगा तो बैंक ने मुझे ये कोटेशन दिया है लेकिन अगर मैं चाहूँ तो आर्टिफिशियली इसको डायरेक्ट कोट में कन्वर्ट किया जा सकता है ओके okay? वो कैसे सिंथेटिक रुपी पर डॉलर इज इक्वल टू वन डिवाइड बाय जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव थ्री एट फोर सिक्स यू विल गेट वन डिवाइड बाय पॉइंट जीरो वन डिवाइड बाय पॉइंट जीरो वन फाइव थ्री एट फोर सिक्स आई गेट सिक्सटी फाइव ओके ये तो तब हुआ जब रेट सिंगल होगी तो मैंने जो एक्टिविटी आर्टिफिशियली करी मार्केट में कोटेड नहीं था उसको बोला जाता है सिंथेटिक कोट कैलकुलेशन मतलब आप आर्टिफिशियली कर रहे हो लेकिन गाइज जब भी पेपर में या इन प्रैक्टिकल लाइफ आल्सो रेट्स कभी भी एक नहीं होगी बैंक जो डीलर है जो धंधे पे बैठा है वो कभी भी बेचना और खरीदना एक रेट पे नहीं करेगा क्योंकि धंधे में रहने के लिए मार्जिन बनाना प्रॉफिट्स करना जरूरी है वरना हम सर्वाइव नहीं कर सकते इसके लिए ही विल ऑलवेज कोट टू कोट्स एक बेचने के लिए एक खरीदने के लिए ओके नाउ हियर अगर मैं बिड और आस्क दोनों दे दूं इन डायरेक्ट कोटेशन में तो कैसा दिखेगा स्पॉट डॉलर पर रुपी जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव फोर स्लैश जीरो पॉइंट जीरो वन डबल फाइव हमेशा याद रखिएगा आस्क रेट कैन नेवर बी लोअर देन बिड नॉट पॉसिबल एट ऑल ये कभी भी पॉसिबल नहीं है ओके नाउ सिंथेटिक रुपी पर डॉलर वन बाय आस्क एंड वन बाय बिड आप सोचो अगर कि अगर मैं वन बाई बिड और वन बाई आस्क कर दूं तो क्या होगा आपको पता है क्या होगा आपकी बिड रेट आस्क रेट से बड़ी हो जाएगी ओके okay? मैं आपको इसके आगे और भी लॉजिक्स दूंगी मैं अभी आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट द टीचिंग पार्ट इट दिस इज समथिंग लाइक आई वांट यू टू रिमेंबर ओनली ओके विदाउट लॉजिक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बाद में लॉजिक्स मैं आपको देने वाली हूँ ओके okay? तो यहाँ पर अगर मैं वन बाय बिड और वन बाई आस्क करती हूँ तो आपकी जो रिजल्टेंट रुपी पर डॉलर की रेट आएगी उसमें बिड रेट आस्क रेट से बड़ा होगा क्योंकि वन डिवाइडेड बाय स्मॉलर डेसिमल विल गिव यू अ हायर रेट एंड दैट इज व्हाई इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट मिस्टेक हम करेंगे वन बाय आस्क एंड वन बाय बिड ओके सो हियर वन बाय जीरो पॉइंट जीरो वन डबल फाइव स्लैश वन डिवाइड बाय पॉइंट जीरो वन फाइव फोर ओके सो 1 डिवाइडेड बाय 0.0155 विल गिव मी 64.52 स्लैश 1 डिवाइडेड बाय 0.0154 आई गेट 64.94 ओके अगर सपोज करो कि आप 1 बाय बिड ये वाला और 1 बाय आस्क करते हो तो 64.94 इधर आता और 64.52 इधर आता ओके okay? तो आप वैसे करके रिवर्स कर लो वो भी सही है कोई दिक्कत नहीं आपको ये याद करने की भी जरूरत नहीं है बट ये याद रखना है दैट आस्क रेट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन बिड नो चेंज ओके आगे बढ़ते हैं जब मैंने नोट्स में भी दे रखा है तो आप वो देख सकते हो लुक एट हियर नाउ बिड और आस्क दिया हुआ है सिंथेटिक रेट्स दे रखे हैं उन्होंने वन बाई आस्क वन बाई बिड करो आप एंड अकॉर्डिंगली यू विल गेट योर Answer, which is like normal, and that is what we understand. Okay, next one. रूल्स ऑफ कन्वर्जन ये गाइस मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कन्वर्ट करना सेकेंड्स का काम होना चाहिए नो थॉट इन्वॉल्व नथिंग कुछ भी नहीं चाहिए ओके okay? क्योंकि कन्वर्जन विल बी अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ वेरी बिग सम अगर आप उस पर ज़्यादा टाइम लगाओगे आपका सम छूट जाएगा ओके okay? तो रूल से चलेंगे रुपी डॉलर एक और बात रुपी डॉलर में हमें रिलेशनशिप पता है हमें रुपी पाउंड में भी रिलेशन पता है आप स्मार्ट हो तो डॉलर पाउंड में भी निकाल लोगे अगर आपको रुपी डॉलर और रुपी पाउंड का पता है लेकिन बाकी दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज हैं और इतनी सारी करेंसीज हैं किस करेंसी का दूसरे के साथ में क्या रिलेशनशिप है हमें कैसे पता चलेगा ओके अगर सपोज गलती से समय में लिख दूं डॉलर पर रुप इक्वल टू सेवेंटी तो आप थोड़ी ना इमेजिन कर लोगे कि सत्तर डॉलर का एक रुपया है आपको पता है सत्तर रुपया का ही एक डॉलर होता है मतलब आपको रिलेशनशिप पता है लेकिन सारी करेंसीज के साथ सारी करेंसीज का तो नहीं पता होगा ना ओबियस सी बात है इन दैट सिनेरियो अपने को कुछ स्टैंडर्ड रूल्स फॉलो करने में करना पड़ेगा सो so दैट कि हमसे कोई भी गलती नहीं हो जाए ओके okay? आगे बढ़ रही हूँ तो दो रूल है यहाँ पे ओके okay? रूल क्या है वो ध्यान देना सबसे पहली बात जो डिनोमिनेटर होगा शॉप उसकी होगी शॉप डिनोमिनेटर की होगी मतलब अगर रुपी पर डॉलर है तो चार काम पॉसिबल है बाय डॉलर सेल डॉलर बाय रुपी सेल रुपी चार के अलावा पांचवा पॉसिबल नहीं है लेकिन मैं बोलती हूँ चार करना ही क्यों है हम दो ही करेंगे किसकी दुकान है किसकी शॉप है डिनोमिनेटर की शॉप है डॉलर की शॉप है तो डॉलर बाय डॉलर सेल अगर मुझे कस्टमर को डॉलर बाय करना होगा तो ऊंचे वाले रेट पे बाय करेंगे क्योंकि सामने वाला ऊंचे रेट पे हमें बेचेगा तो 65 पे खरीदेंगे अगर हमें डॉलर बेचना होगा तो हम 60 पे सेल करेंगे क्योंकि सामने वाला हमें कम पैसे देगा ओके अगर मान लो कि आपको रुपी बाय या रुपी सेल करना है तो आप कैसे बोलोगे द शॉप डज नॉट बिलोंग टू रुपी द शॉप बिलोंग्स टू डॉलर इफ आई वॉन्ट टू बाय रुपी मैं रुपी बाय तो नहीं कर सकती लेकिन डॉलर को सेल जरूर कर सकती हूँ कर सकते हैं बोलने के लिए तो ऐसा बोल सकते हैं ना ताकि हमसे गलत ना हो और रेट्स गलत ना चूज़ हो ओके अगर मुझे रुपी सेल करना है तो अपन कैसे बोलेंगे अपने मन में आई कैन नॉट सेल रुपीज बट आई कैन बाय डॉलर बिकॉज अ शब बिलोंग्स टू डॉलर और अगर मुझे डॉलर बाय करना है तो ऊंची वाली रेट ज़्यादा वाली रेट क्योंकि डॉलर हमारा मोबाइल है

मल्टीप्लाई करूँ कि डिवाइड करूँ तीसरा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ओके okay, तो आगे बढ़ रहे हैं अपने इफ़ वी बाय वाई अपन इसको डिनोमिनेटर को हमेशा वाई बोलेंगे अभी डॉलर है कल पाउंड होगा कल डेनिश क्रानन होगा पता नहीं क्या क्या होगा ओके okay, तो अपनी करेंसीज का नाम नहीं याद कर सकते लेफ्ट हैंड साइड एक्स राइट हैंड साइड वाई दैट्स इट अपने बच्चे एक्स और वाई के अलावा कुछ भी नहीं बोलते ओके सो इफ यू बाय वाई रेट मैं I mean, आपको पता है ना इफ यू ये अगर अगर आपको ये खरीदना है मोबाइल खरीदना है तो आप ऊंचे वाले रेट पे बाय कर सकते हो अगर आपको इसको बेचना है तो यू विल सेल एट द बेड रेट विच इज करेक्ट ओके दूसरी चीज इफ वी मूव फ्रॉम वाई टू एक्स मल्टीप्लाई अब शांति से सुनना कोई भी सम आपके सामने आ गया राइट right? और कोटेशन रुपये डॉलर की दे रखी है इसका मतलब सम में कही न कहीं ना कहीं दो ही करेंसी के बारे में बात चल रही है एक इंडिया या दो कंट्री के बारे में बात चल रही है एक है इंडिया और दूसरा यूएस तीसरी कंट्री बीच में नहीं आती यूजुअली, ओके और अगर तीसरी आई तो कुछ और होगा शायद फिलहाल अपन सिंपल रखते हैं अगर सम में रुपी पर डॉलर का रेट दे रखा है तो कहीं ना कहीं दो कंट्रीज के बारे में बात चल रही है इंडिया और यूएस ठीक है बात समझ में आ गई अब सपोज करो कि अगर इम्पोर्टर है एक्सपोर्टर है या तो वो इंडियन होगा या वो यूएस का होगा तीसरी जगह का हो नहीं सकता तो अगर आपको अमाउंट अमाउंट मतलब कोई भी अमाउंट सम के अंदर एक अमाउंट भी होगा जिसको अपने को या तो डॉलर में कन्वर्ट करना होगा या अपने को रुपी होगा तो डॉलर में कन्वर्ट करना होगा वरना फॉरेन करेंसी में अपन कर क्या रहे हैं वरना अपने फॉरेक्स के चैप्टर में क्या कर रहे हैं अगर कन्वर्जन नहीं करना है तो वॉट आर वी डूइंग इन द चैप्टर दट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट तो अगर रुपये डॉलर का रेट है तो अमाउंट या तो रुपये में होगा या अमाउंट डॉलर में होगा अगर रुपयी होगा तो कन्वर्ट करके डॉलर में जाना है अगर डॉलर है तो कन्वर्ट करके रुपये में जाना है तीसरा कुछ हो नहीं सकता ओके नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द कोटेशन गिवन टू यू जो आपको कोटेशन सम में दिया हुआ होगा उसके बेसिस पे आप डिसाइड करो कि आपका जो अमाउंट दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल कोटेशन में डॉलर वाई है और रुपयी एक्स है अगर समझो कि आपको डॉलर एक लाख दे रखा है सम के अंदर में तो आपको रुपए में कन्वर्ट करना होगा मतलब आपको वाई दिया हुआ वा है आपको वाई दिया हुआ वा है तो आपको जाना कहाँ है एक्स में डॉलर दिया है रुपी में जाएंगे तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई अगर रुपी पर डॉलर का कोटेशन है और डॉलर में अमाउंट दिया हुआ है यू विल मल्टीप्लाई विद द रिक्वायर्ड रेट टू गेट द आंसर इन रुपीज अगर आपको रुपी एक लाख दे रखा है सम के अंदर में और कोटेशन रुपी पर डॉलर का है साथ में देन यू विल डिवाइड अगर आप नॉर्मल तरीके से सोचोगे तो रुपी डॉलर का बहुत आसान है क्योंकि अगर डॉलर है और रुपी में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डॉलर से रुपी में ज़्यादा रुपया आएगा अगर रुपी है और डॉलर में जाना है तो डिवाइड करेंगे बिकॉज बहुत सारे रुपीज़ दोगे तो थोड़े डॉलर आते हैं इतना सोचेंगे क्यों मैं इतना क्यों सोचो मैं दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है सिंपल रूल से चलेंगे तो दो ही रूल है और दोनों रूल इंडिपेंडेंटली चलेंगे या तो पहले मल्टीप्लाई डिवाइड के बारे में सोचो या फिर पहले रेट के बारे में सोचो एक हो गया फिर दूसरे के बारे में सोचो ओके आर वी गोइंग फॉरवर्ड यस एक यहां पे और टॉपिक uh, है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज क्रॉस करेंसी रेट्स ओके नाउ क्रॉस करेंसी रेट्स का मतलब क्या होता है कि यूजुअली वर्ल्ड में लगभग 180 कंट्रीज हैं ओके सबसे ज़्यादा पॉपुलर करेंसीज होती है डॉलर यूरो और पाउंड वर्ल्ड की सारी करेंसीज एक दूसरे के साथ कोटेड नहीं होती है पॉसिबल नहीं है वो ओके okay? कोई भी मार्केट में कोटेशन नहीं मिलेगी तो क्या होता है मैक्सिमम करेंसीज़ आर कोटेड अगेंस्ट इधर डॉलर और यूरो और पाउंड ओके इन दैट सिनारी अगर अज्यूम करो कि मुझे आप एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको अज्यूम करो कि आपको रुपी पर डॉलर का रेट मैंने दिया है सेवेंटी एंड सेवेंटी टू ऐसा एंड डॉलर पर पाउंड का रेट दे रखा है मैंने आपको सपोज 1.2857 1.2890 पॉसिबल ओके तो ये दो कोटेशन आपको बैंक ने दिए मतलब और आपको कोटेशन चाहिए रुपी पाउंड का बिकॉज रुपी इज नॉट कोटेड डायरेक्टली अगेंस्ट पाउंड ये प्रॉब्लम आ रही है हम लोगों को ओके okay? तो हमने क्या किया रुपी भी डॉलर के साथ में है और पाउंड भी डॉलर के साथ में तो जो कॉमन करेंसी है उसे हमें एलिमिनेट करना है आर्टिफिशियली और उसी चीज को बोला जाता है क्रॉस करेंसी कैलकुलेशन ओके और कुछ भी नहीं होता है अब इसको चाहो तो आप लॉजिक से भी कर सकते हो और चाहो तो फटाफट रूल्स फॉलो कर सकते हैं अपन दोनों करेंगे ओके okay? अब नाउ सपोज करो कि ये एग्जांपल दिया हुआ है तो अगर आपकी पोजीशनिंग करेंसी की मैं लॉजिक भी बताऊंगी ये दिया हुआ है ऐसा डायगनल तो इसको बोलो वन इसको बोलो टू इसको बोलो थ्री इसको बोलो फोर एंड रुपी पर पाउंड क्रॉस करेंसी विल बी वन इंटू थ्री स्लैश टू इंटू फोर यही रूल आपका एंड by doing दैट यू विल गेट रुपी पर पाउंड 70 इंटू 1.2857 एंड 72 टू इंटू एक बात बोल रही थी अगर आपको ये जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ बेसिक्स अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है गैस मुझे फ़ास्ट तो होना पड़ेगा ना क्योंकि जब मुझे पाँच घंटे आपने दिए हैं पूरा फॉरेक्स पढ़ाने के लिए तो यू कैन इमेजिन कि मैं बहुत स्लो नहीं जा सकती राइट लेकिन आपके सपोज़ कंफर्ट के लिए अगर आपको यहाँ पर बेसिक्स में खास करके अगर दिक्कत आए जितने बेसिक्स करा रही हूँ मैं तो हम लोगों ने YouTube पे एक एक घंटे के रेगुलर बैच के चार लेक्चर एक एक घंटे के मतलब जितनी देर में पूरा फॉरेस्ट कंप्लीट करा रही हूँ उतनी देर में तो खाली हम बेसिक्स करते हैं रेगुलर बैच में ओके okay, तो वो लेक्चर्स चार लेक्चर एक एक वन वन आवर ईच यूट्यूब पर अपलोडेड है ओके okay, अगर आपको नहीं मिल रहे होंगे तो आप मुझे पिंग करना आप मुझे व्हाट्सएप करना मैं आपको भेज दूँगी तो उसमें मैंने बहुत स्लो स्लो कराया है एग्जाम्पल ज़्यादा कराया है सब कुछ लिख लिख के कराया है तो यू कैन बी जस्ट योर ओन सेल्फ वहाँ जाके आप अपने बेसिक्स को धीरे धीरे अपनी स्पीड के हिसाब से आप कंफर्टेबली कर सकते हो ये कराते समय मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको 90 परसेंट चीज़ें आती है और आप मेरे साथ रिवाइज कर रहे हो है ना तो मुझे नहीं लगता अब ये बोलने के बाद भी आपको कोई कोई भी तरह का कम्फर्ट ब्रेक होना चाहिए ओके आगे बढ़ रहे अपन रुपी पर पाउंड सेवेंटी इंटू वन पॉइंट टू एट फाइव सेवेन इस ऑलमोस्ट लाइक नाइन्टी एंड सेवेंटी टू इंटू वन पॉइंट टू एट नाइन ज़ीरो इज नाइन्टी टू पॉइंट एट वन ये रेट आ गई आपकी ओके अब आप लोगे मैम आपने तो ये कर दिया इस तरह से लॉजिक भी बता, बताओ बताऊंगी लॉजिक आपको लॉजिक ये है कि समझो एक पाउंड अगर खरीदना है ये एक पाउंड खरीदना है तो आपको पता है वो मोबाइल है ख़रीदने के लिए रेट ये लगेगी तो वन पाउंड इज़ इक्वल टू वन पॉइंट टू एट नाइन ज़ीरो डॉलर्स ओके ये इतने डॉलर्स लगेंगे और डॉलर्स मैं इंडिया में रहती हूँ तो मेरे पास डॉलर भी नहीं है और एक डॉलर के लिए मुझे लगेगा रुपीज़ सेवेंटी टू okay? ओके तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर एक डॉलर का ये लगता है सेवेंटी टू रुपीज़ लगता है तो 1.2890 डॉलर का कितना लगेगा तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अपन कर सकते हैं ना 72 टू डिवाइड बाय डॉलर वन इंटू डॉलर 1.2890 सेम तो आ गया आपका 72 टू इंटू ये वाला ये वाला आया ना ये मल्टीप्लाई किया ना आपने ये वाला और ये आंसर आया आपको सेम लॉजिक है एग्जाम में इतना कॉन्सेप्ट नहीं सोच पाएंगे वो रेगुलर बैच में पढ़ने की चीज़ होती है राइट यहाँ फटाफट चलना है हमें अब आप बोलोगे मैम कोई ज़रूरी तो नहीं है कि सारे कोटेशन आपके इसी तरह से प्लेस होंगे नहीं नहीं प्लेसड होंगे लेकिन उस केस में आप क्या करो सपोज़ करो कि आप आपको रेट आई रुपी पर डॉलर की और आपको रेट मिली पाउंड पर डॉलर की इस केस में आप इस वाली कोटेशन को इनवर्स कर दो डॉलर पर पाउंड कर दो और वापस से ये वाली रेट और ये वाली रेट का वन इंटू थ्री और टू इंटू फोर कर दो फिर भी आंसर आएगा दैट मीन्स यू कैन मैनिपुलेट द वे यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द क्रॉस करेंसी रेट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको ओके सो एग्जाम में इट शुड टेक हार्डली सेकेंड्स टू कंप्यूट क्रॉस करेंसी रेट्स नॉट मोर देन दैट कैन यू गो हैड नाउ गाइज यस तो यहां पे मैंने सारे आपके नोट्स में जो मैंने वहां पढ़ाया आपको ये सारा मेंशन किया हुआ है लुक एट हियर एग्जांपल नंबर वन वन इंटू थ्री ये गलत है दिस शुड बी वन इंटू थ्री एंड टू इंटू फोर प्लीज आप ठीक कर लो इसको दिस विल बी सिक्सटी इंटू टू पॉइंट वन ज़ीरो फाइव सिक्स एंड सिक्सटी फाइव इंटू टू पॉइंट वन ज़ीरोट सिक्स ओके सो दिस दिस शुड भी द रेट शुड भी सिक्सटी इंटू टू पॉइंट वन जीरो फाइव सिक्स दैट गिवस मी वन ट्वेंटी सिक्स पॉइंट ये सही है तो यहाँ पर स्लैश डिवाइड बाई कर दिया स्लैश आना चाहिए ओके ये सही है एंड सिक्सटी फाइव इंटू टू पॉइंट वन जीरो एट सिक्स दैट गिविंग मी वन थर्टी सेवन पॉइंट जीरो फाइव नाइन ओके तो प्लीज़ आप ठीक कर लो वो स्लैश आएगा और कुछ भी गलती नहीं है इसके अंदर में ओके सेम एग्जाम्पल टू आप देखो एग्जाम्पल टू में वी हैव टेकन रुपी पर डॉलर एंड पाउंड पर डॉलर जब मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी तो हम लोगों ने क्या किया डॉलर पर पाउंड का सिंथेटिक निकाला और मल्टीप्लाई करके अपने ऑलरेडी आंसर निकाल दिया आई डोंट सी एनी रीजन कि आपको क्यों नहीं समझेगा इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड आगे बढ़ेगा इस नेक्स्ट टॉपिक इज थ्री पॉइंट आर्बिट्राज थ्री पॉइंट आर्बिट्राज ये टॉपिक करना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वॉन्ट टू लाइक हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ऑन द कन्वर्जन पार्ट एग्जाम में कितना आता है नहीं आता है वो मुझे पता नहीं है लेकिन अगर आपको कन्वर्जन पे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल लाना है तो आपको थ्री पॉइंट आर्बिट्राज के दो चार सम करने पड़ेंगे उसके बाद आप देखो अपनी स्पीड कि कहाँ जाती है ओके सो कैन वी स्टार्ट थ्री पॉइंट आर्बिट्राज ओके सो मैं आपको uh, एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पे रेफर टू क्वेश्चन नंबर टू लिखा हुआ है वो वही क्वेश्चन अपन डिटेल में करते हैं ओके नाउ द क्वेश्चन इज डॉलर पर पाउंड टू पॉइंट वन जीरो फाइव जीरो ओके आप प्लीज अपना नोट्स देखो और मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाती हूँ सो द कोटेशन विच इज गिवन टू मी इज ए डॉलर पर पाउंड इज़ इक्वल टू टू पॉइंट वन ज़ीरो फ़ाइव ज़ीरो एंड टू पॉइंट वन ज़ीरो नाइन ज़ीरो बी यूरो पर पाउंड इज़ वन पॉइंट एट नाइन फाइव ज़ीरो एंड वन पॉइंट नाइन ज़ीरो वन ज़ीरो सी इज़ डॉलर पर यूरो इज़ वन पॉइंट ज़ीरो वन फाइव ज़ीरो एंड वन पॉइंट ज़ीरो वन एट ज़ीरो मैंने लिखा है सब में यूज़ थ्री वे आर्बिट्राज एंड कैरी आउट द सेम यूजिंग पाउंड टेन थाउजेंड मतलब अपने को आर्बिट्राज करना है पहले आप समझो आर्बिट्राज क्या होता है ये मैंने तीन डीलर दिया है आपको अगर सपोज करो कि मैं दो डीलर देती फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्जाम्पल बैंक ए कट कोट कर रहा है रुपी पर डॉलर इज इक्वल टू सेवेंटी एंड सेवेंटी टू अज्यूम कर लो ओके okay? और बी कोट कर रहा है रुपी पर डॉलर अगेन ये कोट कर रहा है 69 एंड 69.50 आपसे मैं पूछ रही हूं इज इट पॉसिबल टू कंडक्ट आर्बिट्राज यस मैं बैंक बी से 69.50 पे एक डॉलर खरीदूंगी और सत्तर रुपया पर डॉलर पे उसको सेल कर दूंगी बैंक ए को अगर एक डॉलर मूव करती हूँ तो मुझे पचास पैसा पर डॉलर का फ़ायदा होता है जितने ज़्यादा डॉलर्स मूव करूँगी मेरा फ़ायदा उतना बढ़ता चला जाएगा इसको बोला जाता है टू पॉइंट आर्बिट्राज ये बहुत सिंपल है इसके लिए कोई टेक्निकल नॉलेज की आपको जरूरत नहीं है एक दुकान में दाम कम दूसरे दुकान में दाम ज़्यादा तो कम दु... रेट वाली दुकान से मैं खरीदूंगी और ज़्यादा रेट वाली जगह पे मैं बेचूंगी वो मेरा आर्बिट्राज प्रॉफिट होगा और कुछ भी नहीं ओके आगे बढ़ते हैं अपन उसी तरह से थ्री पॉइंट आर्बिट्राज तीन शॉप है तो अगर आपके पास में पाउंड है तो आप एक काम कर सकते हैं दैट यू कैन सेल पाउंड यू कैन सेल पाउंड वेयर एनी वेयर आप बैंक ध्यान से सुनना गाइस बैंक ए को भी बेच सकते हो बैंक बी को भी बेच सकते हो ओके okay? अगर आपने बैंक ए को बेचा तो आप पाउंड बेचोगे डॉलर खरीदोगे ओविय बात है पाउंड बेचोगे डॉलर खरीदोगे इसका काम खत्म हो गया उसके बाद आप डॉलर लेके बैंक सी के पास जाओगे आप डॉलर बेचोगे यूरो खरीदोगे फिर आप लेके बैंक बी के पास जाओगे आप बेचोगे और पाउंड खरीदोगे ओके okay. अगर आपके हाथ में जो पाउंड आए आपने सपोज दस हजार पाउंड से चालू किया था अगर ये एक्टिविटी करने के बाद लास्ट में जाकर के अगर आपके पास दस हजार पाउंड से ज्यादा आता है तो आपका आर्बिट्राज हुआ है अगर कम आ गए तो आर्बिट्राज इज़ नॉट पॉसिबल ओके अब यहाँ पे आप अगर बैंक बी से चालू करते तो आप बी को पाउंड बेचते यूरो खरीदते सी को यूरो बेचते डॉलर खरीदते ए को डॉलर बेचते और वापस आप पाउंड खरीदते सेम लेकिन मैं ये यहाँ पे ये यह नहीं है। बताना चाहती आपको कि आप दो तरीके से कैसे कर सकते मैं बताना कुछ और चाहती हूँ मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर शॉप ए है और शॉप बी है ओके okay? यहाँ पे किसी चीज का दाम हजार रुपया है और यहाँ पे आठ सौ रुपया है आप मुझे एक बात बताओ आपको आर्बिट्राज की प्रॉफिट कब होगी अगर आप 800 में खरीद करके हजार में बेचोगे तो आपको आर्बिट्राज की प्रॉफिट होगी अगर आप हजार में खरीद के 800 में बेचोगे तो प्रॉफिट नहीं होगी इट्स नॉट पॉसिबल इसका मतलब यह है कि इन ऑर्डर टू अर्न आर्बिट्राज प्रॉफिट यू वी हैव टू बाय फ्रॉम द राइट प्लेस एंड सेल टू द राइट प्लेस कहीं भी नहीं तो इसका ये मतलब है कि थ्री पॉइंट आर्बिट्राज के सम्स में दो दुकान होगी किसकी हर करेंसी की आप देखो डॉलर ए और बी के पास में है सॉरी पाउंड ए और बी के पास में है डॉलर ए और सी के पास में है और योरो बी और सी के पास में है इन थ्री पॉइंट आर्बिट्राज सम देर वुड बी ऑलवेज थ्री करेंसीज एंड थ्री डीलर्स एंड एवरी करेंसी विल बी कोटेड एट एटलीस्ट टू प्लेसेस ओके दो जगह पे रहेगा और एक जगह पे होगा वो ओवर वैल्यूड और एक जगह पे होगा वो अंडर वैल्यूड देख के पता नहीं चलेगा अगर आपने बैंक ए से पाउंड बेचना चालू किया था और अगर आपको प्रॉफिट आ गई है यानी आर्बिट्राज प्रॉफिट आई है आप ट्राई करो मेरी तरफ से बी से आपको प्रॉफिट कभी नहीं आएगी पॉसिबल नहीं है ओके okay? लेकिन सबको देख के हमको पता नहीं चलेगा कि कहां से करने से आर्बिट्राज प्रॉफिट आएगा अगर आपने ए से चालू किया अगर लॉस आ गया तो आप बी से फिर करो सम को और प्रॉफिट ला के दिखाओ अगर ए से करा और प्रॉफिट आ गई तो वापस लॉस ला के नहीं दिखाना होता है ओके कैन वी डू द सम नाउ लेट्स गो हैट आप देखो पहले कैसे सम करते हैं अपन ओके सो स्टेप वन मैं बैंक ए से चालू कर रही हूं रैंडम ऐसा दिमाग में कुछ भी नहीं है पाउंड दस हजार मेरे पास में है तो वी विल स्टार्ट आर्बिट्राज बाय सेलिंग जो हमारे पास में है मैं बैंक ए के पास जाती हूं वी सेल वी सेल पाउंड टेन थाउजेंड टू बैंक ए बैंक ए आप मुझे बताओगे रेट डॉलर और पाउंड की दे है डॉलर पर पाउंड दुकान किसकी है दुकान पाउंड की है हमें बेचना क्या है पाउंड बेचना है क्या हम पाउंड बेच सकते हैं हां क्योंकि दुकान पाउंड की है तो वी विल सेल पाउंड एट लोअर रेट डॉलर पाउंड हमारा मोबाइल है तो वी विल सेल पाउंड एट लोअर रेट 2.10 पॉइंट वन जीरो Five, zero. And as per the quotation, pound ten thousand is Y, and moving from Y to X is multiply. Getting pound ten thousand into dollar two point one zero five zero per pound. Okay? So ten thousand into टू पॉइंट वन जीरो फाइव जीरो विल गिव यू डॉलर ट्वेंटी वन थाउजेंड फिफ्टी बैंक ए का काम खत्म हो चुका है स्टेप टू अब आपके हाथ में पाउंड डॉलर्स आ गए तो अगर आपके हाथ में डॉलर्स है तो आप कहां जाओगे बैंक सी के पास जाएंगे बिकॉज वहां पे ही दिख रहा है मेरे को डॉलर्स वी सेल डॉलर ट्वेंटी वन थाउजेंड फिफ्टी टू बैंक सी ओके क्या हम डॉलर इसको बेच सकते हैं नहीं हम डॉलर नहीं बेच सकते क्यों ये डॉलर की शॉप नहीं है ये यूरो की शॉप है ओके okay? तो कैसे बोलेंगे अपन हम डॉलर बेच तो नहीं सकते लेकिन योरो खरीद सकते हैं वी कांट सेल डॉलर्स बट आई कैन बाय यूरो इज योर डिनोमिनेटर करेंसी अगर उसको आपको खरीदना है तो ऊंची रेट लगेगी आपको दैट इज़ वन पॉइंट ज़ीरो वन एट द रेट ऑफ डॉलर वन पॉइंट ज़ीरो वन एट जीरो पर यूरो, गेटिंग दूसरा सवाल कि मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें एक आसान तरीका बताऊं आपको आपके रूल्स दो से घट के एक हो जाएंगे ध्यान देना अगर आपका अमाउंट के सामने वाला करेंसी या सामने वाली करेंसी वाटेवर ये वाला है और ये अगर मैच करे तो मल्टीप्लाई नहीं तो डिवाइड समझा देखो यहाँ पे ये और ये मैच किया तो मल्टीप्लाई ये और ये मैच नहीं किया तो डिवाइड होगा देखना आप डॉलर ट्वेंटी वन थाउजेंड फिफ्टी डिवाइड बाई डॉलर वन पॉइंट ज़ीरो वन एट जीरो पर यूरो आई गेट यूरो टू जीरो सिक्स डबल सेवन पॉइंट एट जीरोके स्टेप थ्री वी सेल योरो ट्वेंटी सिक्स डबल सेवन पॉइंट एट जीरो टू बैंक बी एट द रेट ऑफ वापस से कैन आई सेल योर नहीं आई कॉन्ट सेल योर बिकॉज ये शॉप पाउंड की है और मुझे यूरो सेल करना है मैं यूरो सेल तो नहीं कर सकती पाउंड बाय कर सकती हूँ हायर रेट एट द रेट ऑफ यूरो 1.9010 पर पाउंड गेटिंग आप बताओ मल्टीप्लाई के डिवाइड टेल मी इट्स इजी नाउ दिस एंड दिस आर नॉट मैचिंग सो डिवाइड सो यूरो ट्वेंटी सिक्स डबल सेवन पॉइंट एट ज़ीरो डिवाइड बाई यूरो वन पॉइंट नाइन ज़ीरो वन ज़ीरो पर पाउंड एक और बात इस पूरे कन्वर्जन में करेंसी तीन बार आएगी बताऊं एक दो तीन मैच किया तो मल्टीप्लाई नहीं मैच किया तो डिवाइड आंसर विल बी इन अनकॉमन करेंसी अनकॉमन कौन सी इसमें पाउंड डिवाइड बाय 1.9010 आई गेट 1087.33 आपकी आर्बिटराज प्रॉफिट होगी एट सेवेंटी सेवन पॉइंट थ्री थ्री ये वाला पार्ट क्यों दस हज़ार तो आपने डाला ही था आप लेके निकले हो ज़्यादा कितना ज़्यादा एट सेवेंटी सेवन पॉइंट डबल थ्री दैट इज़ योर आर्बिटराज प्रॉफिट ओके नाउ लेट्स गो टू द सम यहाँ पे गाइस देखो आप सेम चल रहा है ये पूरा आप देख लेना कैसे करा हुआ है सारा आई आई थिंक वी हैव डन इट प्रॉपरली और ये आपका आर्बिट्राज प्रॉफिट है कौन सा वाला ये वाला आपका आर्बिट्राज प्रॉफिट आई थिंक वी आर डन हियर एंड थ्री पॉइंट आर्बिट्राज आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर आपको और प्रैक्टिस करने का मन है तो मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ आप करके देखना ट्राई सम डॉलर से जैसे दस हजार पाउंड से किया वैसे ही दस हजार डॉलर से करना लेकिन सम आप चालू करना सी से ओके okay? मतलब डॉलर बेचना यूरो खरीदना फिर यूरो बेचना पाउंड खरीदना वापस पाउंड बेचना और वापस डॉलर खरीदना ओके okay? आप डॉलर बेचना डॉलर का सम करना और बैंक सी से चालू करना अगर आपका आंसर वापिस एट सेवेंटी सेवन पॉइंट थ्री थ्री आता है तो आपने सम सही किया है करते रहो जब तक ना आ जाए कन्वर्जन तो आ ही जाएगा ओके okay? आगे बढ़ते हैं देखो मैंने करा भी शायद है शायद यहाँ पे लुक एट हियर केस टू मैंने करके भी दिया है यू कैन जस्ट क्रॉस चेक देखो वापस से आंसर आ रहा है ये देखो आंसर आ रहा है एट सेवेंटी सेवन पॉइंट थ्री केस थ्री भी किया हुआ है ओके okay? वो करा है यूरो से ओके okay? और वो चालू किया है बैंक बी से गैस इसका एक डेफिनेट लॉजिक है इतना डिटेलिंग नहीं कर पाएंगे अपन कि कौन सी बैंक से चालू करूंगी तो आंसर आएगा ओके okay? सीक्रेट है कीप थिंकिंग ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट बेसिक्स ओके वी नीड टू कम टू द स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट हम यहाँ पे थे स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट्स या स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट वो क्या होता है वो सुनो दो तरह के मार्केट्स होते हैं करेंसी के अगर इफ आई बाय समथिंग विथ इमीडिएट सेटलमेंट टी प्लस टू का साइकिल चलता है तो दैट मार्केट और दोज ट्रांजेक्शन्स आर कॉल्ड स्पॉट ट्रांजेक्शन्स ओके लेकिन अगर किसी ट्रांजेक्शन में मैं आज एंटर करूं और वो स्क्वेर ऑफ हो फ्यूचर में जाकर के तो उन ट्रांजेक्शन्स को बोला जाता है फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स जितने भी डीलर्स हैं आपके बैंक या नॉन बैंक लाइक बैंक्स में जितने भी बैंक हैं आपके एस डी एफ सी आई सी आई सी आई कोटक वो सारे आ जाएंगे और नॉन बैंक में कौन आएगा सेंट्रम थॉमस कुक एंड ऑल दैट ओके तो ऑल दीज पीपल आर वेरी एक्टिव मार्केट मेकर्स इन द स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट मतलब अगर आपको स्पॉट के लिए ट्रांजेक्शन करनी है मतलब तुरंत डॉलर खरीद के यूएस जाना है या आपने इम्पोर्ट किया है और आपको तीन महीने के बाद डॉलर चाहिए तो ये जितने भी डीलर्स हैं ये जितने भी प्लेयर्स हैं दे विल प्रोवाइड यू विद द कोटेशन फॉर बोथ स्पॉट एंड फॉरवर्ड पॉइंट यहाँ पर यह नहीं है पॉइंट यहाँ पे ये यह है ऑन द बेसिस ऑफ स्पॉट एंड फॉरवर्ड हम कोई इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो क्या सुनो अगर आज का स्पॉट रेट रुपयी और डॉलर का सेवेंटी चल रहा है और मैं बैंक के पास जाऊँ और बोलूँ कि मुझे तीन महीने आगे का आप फॉरवर्ड रेट बताओ तो बैंक ने बोला सेवेंटी वन ये दोनों डेटा की मदद से मुझे ये पता चला दैट डॉलर की रेट ऊपर जा रही है आज सत्तर है तीन महीने के बाद रेट सेवेंटी वन हो जाएगी ये मेरे लिए मालूम करना बहुत जरूरी होता है एज अ पार्टिसिपेंट एज अ फॉरन करेंसी यूजर दैट मार्केट में ट्रेंड कहाँ जा रहा है ओके okay? तो ये जो सिचुएशन है इसको बोला जाएगा डॉलर इज अप्रिशिएटिंग बाय वन रुपी इन थ्री मंथ टाइम अगर मैं इसको एनुअलाइज करूं तो चार रुपया हो जाएगा तो कंप्यूटेशन ऑफ प्रीमियम एंड डिस्काउंट ऑन करेंसी वाई एंड करेंसी एक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें डील करना है कैन वी स्टार्ट नाउ जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है वो मैंने नोट्स में भी डाल रखा है अपने साथ में पढ़ते हैं एंड देन वी कैन मूव ऑन टू द टेक्निकल पार्ट ओके सो व्हेन द ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड इनटू एंड स्क्ड ऑफ एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट इज नोन एज स्पॉट ट्रांजैक्शन और स्पॉट मार्केट रेट पे स्पॉट ट्रांजैक्शन होगा व्हेन द ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड इन टू नाव एंड स्कम्स इन फ्यूचर दे आर नोन एज फॉरवर्ड मार्केट रेट्स या फॉरवर्ड मार्केट रेट्स आर एप्लीकेबल फॉर फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स ओके ऑन द बेसिस ऑफ द कोटेड स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट्स वी कैन कंप्यूट प्रीमियम एंड डिस्काउंट ऑन करेंसीज मैंने अभी आपको बोला कि एक रुपए का प्रीमियम आया तीन महीने का और पूरे साल का प्रीमियम चार रुपया लेकिन परसेंटेज में भी कन्वर्ट करना पड़ता है अपने को ओके okay? तो यहाँ पे सपोज़ मैंने एग्जाम्पल दे रखा है सिक्सटी का और सिक्सटी फाइव का स्पॉट रेट सिक्सटी है और फॉरवर्ड रेट सिक्सटी फाइव है तो यहाँ पे एनुअलाइज प्रीमियम निकाला हुआ है और वो है एफ माइनस एस बाई एस इंटू हंड्रेड एफ माइनस एस का मतलब हुआ सिक्सटी फाइव माइनस सिक्सटी चेंज बाई ओरिजिनल इन टू हंड्रेड इंटू ट्वेल्व डिवाइड बाई एन एक चीज दिखाना चाह रही थी यहाँ पे ओके सो सपोज करो कि स्पॉट रुपी पर डॉलर सिक्सटी दिया हुआ है एंड थ्री मंथ फॉरवर्ड सपोज रुपी पर डॉलर सिक्सटी फाइव दिया हुआ okay. है ओके अपन इसको एक्स बुलाते हैं इसको वाई बुलाते हैं अपन तो दो फॉर्मूलाज आएंगे ओके एनुअलाइज प्रीमियम ऑन वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे लिए ऑन वाई अगेंस्ट एक्स तो वो होगा एफ माइनस एस बाई एस नॉर्मल इंटू हंड्रेड इंटू ट्वेल्व डिवाइड बाई एन ट्वेल्व बाई एन क्यों हुआ बिकॉज तीन महीने का प्रीमियम निकलेगा और उसको आप एनोलाइज करने के लिए टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ओके okay? तो ये नॉर्मल है ये रेट किसकी है अपने को पता है ये रेट ऑलरेडी डॉलर की रेट है ओके okay? तो चेंज 65 फाइव माइनस सिक्सटी डिवाइड बाई सिक्सटी इन हंड्रेड इंटू ट्वेल्व डिवाइड बाई थ्री आप करोगे तो आपको प्रीमियम ऑन डॉलर आएगा ऑन वाई अगेंस्ट एक्स कैसे पता है कि आपको चार चीज निकल सकती है प्रीमियम ऑन वाई डिस्काउंट ऑन वाई प्रीमियम ऑन एक्स एंड डिस्काउंट ऑन एक्स मैं क्या बोलती हूँ हम क्यों नहीं खाली प्रीमियम का ही फार्मूला लर्न करते हैं डिस्काउंट का क्यों करें क्योंकि अगर इस इक्वेशन का आंसर नेगेटिव आया तो अपने पैसे भी उसको डिस्काउंट ही बोलने वाले हैं। तो वाई टू लर्न फोर लर्न ओनली टू अगर पॉजिटिव आता है तो प्रीमियम नेगेटिव आया तो डिस्काउंट लेकिन एफ माइनस एस बाई एस होगा ऑन वाई के लिए अगेंस्ट एक्स अगर एक्स का करना रहेगा तो आप देखो कैसा जाएगा ये एनुअलाइज प्रीमियम ऑन एक्स अगेंस्ट वाई तो अपने को भी पता है कि ये जो रेट है ये डॉलर की है रुपी की तो रेट है नहीं तो रेट को आपको रुपी का बनाना पड़ेगा मतलब क्या हुआ कि डॉलर पर रुपी बनाना पड़ेगा डिनोमिनेटर में रुपी होगा तो रेट रुपी की कहलाएगी तो कैसे करें सिंथेटिक रेट तो कैन वी राइट लाइक दिस वन बाई एफ माइनस वन बाई एस बाई वन बाई एस इंटू हंड्रेड इंटू ट्वेल्व डिवाइड बाई एन कोई चेंज नहीं है लेकिन रेट को जब आप वन से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट रेट फॉर रुपी एंड देन यू विल टेक द डिफरेंस ओके इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना इसको तो यू विल गेट एस माइनस एफ बाई एफ इंटू हंड्रेड इंटू ट्वेल्व डिवाइड बाई एन दिस इज लाइक फॉर ऑन एक्स अगेंस्ट वाई ओके okay? अगर इस एग्जाम्पल में डॉलर का निकालना है तो एफ माइनस एस बाई एस और रुपी का निकालना है तो एस माइनस एफ बाई एफ नथिंग एल्स यू हैव टू डू पॉजिटिव आया तो प्रीमियम नेगेटिव आया तो डिस्काउंट दैट्स इट नाउ लुक एट द नोट्स देखो आप यहां पे एनुअलाइज प्रीमियम ऑन वाई अगेंस्ट एक्स एफ माइनस एस बाई एस ये फॉर्मूला आएगा एनुअवलाइज प्रीमियम ऑन एक्स वन बाई एफ और सॉल्व करके ये आ रहा है आई होप आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट लेट्स क्विकली गो हैड एक्चुअली ओके आगे एक बेसिक और भी है और वो है स्वाप पॉइंट्स ओके स्वाप पॉइंट्स क्या होता है कि कोई भी uh, जैसे स्पॉट और फॉरवर्ड रेट जो होती है वो फॉरवर्ड रेट कोट नहीं करते बैंक्स आपको स्पॉट रेट कोट करेंगे और साथ में स्वाप पॉइंट्स कोट करेंगे तो अगर स्वाप पॉइंट्स लो हाई है अगर ऐसा दिखता है तो यू विल एड दैम ओके क्यों ऐड देम बिकॉज लो हाई असेंडिंग ऑर्डर में अगर है तो आपको ऐड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट योर आस्क रेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन बिड रेट और अगर वो हाई लो हुआ लाइक दिस दैट इज मीन्स इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर देन यू विल डिडक्ट दिस अगेन इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट अगर ये हाई लो है और अगर आपने ऐड कर दिया तो ये पॉसिबल है कि आपका आस्क रेट बिड रेट से छोटा हो जाएगा एंड दैट इज नॉट अलाउड ओके ये बाई मेकैनिजम uh, था इसका लॉजिक भी है बट वी आर नॉट गेटिंग इन टू द लॉजिक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज वी हैव वेरी लेस अवेलेबल टाइम हाँ आगे बढ़ रही हूँ मैं यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दे, दे रखा है मैंने स्पॉट रेट सिक्सटी फाइव सिक्सटी सेवन थ्री मंथ स्वॉप दिस इज लाइक ये क्या है आपका लो हाई है फोर्टी सिक्सटी इज लो हाई एंड सिक्स मंथ स्वॉप पॉइंट हाई लो है तो थ्री मंथ का फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए सिक्सटी फाइव आप देखो रेट में अगर आप, आप नोटिस करोगे तो दो जीरो दे रखे हैं राइट यहाँ पे दो जीरो दे रखे हैं तो मैंने भी यहाँ पे दो जीरो लिए हैं तो आप कैसे एडजस्ट करोगे वो सुनना आप डबल ज़ीरो है ना तो लास्ट का जो ज़ीरो है यूनिट्स प्लेस से आप चालू करो जहाँ जाके रुक जाए बात खत्म हो गई अब बोलोगे मैम अगर ये चार जीरो होते तो सिक्सटी फाइव पॉइंट डबल ज़ीरो डबल ज़ीरो होता तो आप लास्ट वाले ज़ीरो से चालू करते हैं तो ज़ीरो फोर अब दो जगह बच गई तो उसको ज़ीरो से आप फिल करोगे डेसिमल लोगे ये इस तरह से चलता है ओके ये ध्यान देना दिमाग बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे सिर्फ दो जीरो थे तो फोर्टी मैंने जीरो के नीचे जीरो लिखा जीरो के नीचे फोर लिखा और डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख दिया अगर सिक्सटी फाइव पॉइंट डबल जीरो और एक डबल जीरो मतलब चार जीरो अगर होते तो लास्ट वाले दो ज़ीरो के नीचे चालीस आता और जो ये तो जीरो होते उसके नीचे जीरो जीरो ही आता मतलब आपके जो स्वाप पॉइंट्स होते वो होते डेसिमल डबल जीरो फोर जीरो ऐसे एडजस्टमेंट होते। आप अपने मन से कुछ भी मत करना ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द यूनिट्स प्लेस ओके ये लो हाई था हमने ऐड किया ये हाई लो है तो हम इसको करेंगे डिडक्ट ओके सो बी केयरफुल नाउ लुकेट ही सिक्सटी सेवन में अगर मैं आपको दिखाऊं प्लीज सिक्सटी सेवन में आ, थ्री है 3 तो थ्री तो यहाँ आ जाएगा और ये जगह बच गई तो पॉइंट जीरो थ्री लाइक दिस ओके सो जस्ट बी काइंड ऑफ इन्फॉर्म्ड कि स्वॉप पॉइंट्स के एडजस्टमेंट में गलती मत करना एक और बात स्वॉप पॉइंट्स के बारे में आप नोटिस करना कि कभी कभी ये लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल सिक्सटी फाइव स्लैश सिक्सटी सेवन ऐसी रुपये पर डॉलर की रेट दे दी और नीचे में ही सिक्सटी सिक्सटी फाइव ऐसे सॉप पॉइंट्स दे देंगे तो यू विल गेट वेरी कन्फ्यूज टू द फैक्ट दैट कि इन्होंने जो दिया है दैट इज़ बेसिकली स्वॉप पॉइंट और अ रेट पता नहीं चलेगा तो ध्यान देना अगर रेट होगी तो रुपया आना समेत होगी मतलब 65.00 होगा 67.00 होगा अगर डेसिमल के बाद कुछ नहीं है तो भी स्वाप पॉइंट्स में डेसिमल नहीं होगा आप नोटिस कर लो देखो आप लिखा हुआ है फोर्टी सिक्सटी वन वन जीरो स्लैश थ्री डेसिमल्स नहीं दिया हुआ है यानी कि वो स्वाप पॉइंट है रेट नहीं है ओके सो बी केयरफुल आगे लास्ट पॉइंट इन द आवर बेसिक्स पार्ट टी टी मार्जिन अगर किसी सम के अंदर में नीचे लिखा हुआ है टी टी मार्जिन रिटेल मार्जिन या एक्सचेंज मार्जिन तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि दिए हुए जो रेट्स हैं आपको दोज रेट्स आर एक्चुअली इंटर बैंक और होल सेल रेट्स एंड बाई एडजस्टिंग टी टी मार्जिन ओनली यू विल बी एबल टू कन्वर्ट दैम इन टू रिटेल रेट्स टी टी मार्जिन का रूल होता है दैट इट इज एडजस्टेड लाइक अ ब्रोकरेज ओके okay? जब आप ख़रीदोगे तो आपके कॉस्ट में ऐड होगा और जब आप बेचोगे तो आपके उसमें से माइनस होगा मतलब याद करना है तो आस्क रेट में एड बिड रेट में माइनस दैट्स इट नो अदर एडजस्टमेंट नथिंग टू रिमेम्बर मोर ओके गाइस दिस वाज ऑल अबाउट योर बेसिक्स आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली आप बेसिक्स जो आपने अपने नोट्स में आप है आपके पास आप प्लीज़ उसको एक बार रिवाइज कर लेना और उसके बाद आगे बढ़ना एक साथ रिवाइज करना लेकिन मैं यहां से आगे बढ़ रही हूं यू कैन टेक अ पॉज इफ यू वॉन्ट बट आई हैव टू गो फॉरवर्ड ओके सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज करेंसी ऑफ बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी ये टॉपिक एक्चुअली इतना ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं नहीं पूछते हैं मुझे नहीं पता बट फॉरक्स में आपको पढ़ना है लेकिन दिक्कत इस टॉपिक में एक एडजस्टमेंट की है जिसकी वजह से बच्चे बार बार मेरे को डाउट पूछते रहते हैं मेरी क्लास में तो मैंने क्या किया इसको एक अलग टॉपिक ही बना करके छोड़ दिया कि इन केस एग्जाम में भूल भी जाए बच्चा तो एटलीस्ट वहाँ तो परफॉर्म करके आओ भले आकर के वापस मुझसे तुम डाउट पूछ लो मुझे चलेगा लेकिन वहाँ गलती मत करना क्योंकि सम अगर आएगा तो एट मार्क्स से नीचे का सम नहीं आएगा ओके तो क्या है ये टॉपिक वो सुनो आप अगर अपन लोकल बेसिस पे बोरो या इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एक ही चीज़ की चिंता होती है और वो क्या होती है पता है आपको हमें चिंता होती है कि ब्याज का रेट क्या होगा अगर मुझे बोरो करना है तो मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मुझे कम नहीं चाहिए ओके लेकिन अगर हम बाहर से पैसे इन्वेस्ट या बोरो करते हैं तो हमें एक नहीं दो चीज़ की चिंता होती है रादर वी आर कंसर्न अबाउट टू थिंग्स नंबर वन रेट क्या होगी वो तो रहेगी रहेगी नंबर टू फ्लक्चुएशन कॉम्पोनेंट का, का भी हमें डर होता है बिकॉज अगर हो सकता है रेट बोरोइंग की कम भी हो लेकिन पैसा देते समय अगर एक्सचेंज रेट खराब हो गई मतलब इफ द एक्सचेंज रेट टर्न आउट टू बी एडवर्स देन यू विल एंड अप पेइंग हायर कॉस्ट इन स्पाइट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स बीइंग लोअर अगर इंटरेस्ट रेट कम भी हुए लेकिन एक्सचेंज रेट अगर ऑपोजिट मूव कर गए नॉन फेवरेबल मूव कर गए तो आपका कॉस्ट बढ़ेगा उसके बावजूद कि रेट कम है ओके okay? तो जब भी कोई बंदा यहाँ से सपोज फॉर एग्जाम्पल इंडिया से फॉर एग्जाम्पल यूएस से बोरो करेगा या इन्वेस्ट करेगा तो उसको सिर्फ रेट के बारे में नहीं सोचना उसको एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के बारे में भी सोचना पड़ेगा बिकॉज एनी मनी इन्वेस्टेड और बोरोड फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री विल कंबाइन बोथ फ्लक्चुएशन And the rate to make the final return or make the final cost, actually, okay? And that's the topic all about. Make some layering for you. this sum is very very interesting actually, and we will discuss it together. some then I'll show you how to solve it. An Indian company based at Mumbai needs short-term funds of rupees 50 million for a period of three months. The company collected the following information from its banker: spot rate rupee per dollar ki de और स्वाप पॉइंट दे रखे नोकेट हीर एट हियर 48.50 इस रेट को कैसे पढ़ोगे आप 48.50 एंड 48.55 एट इस लेवल पे आई वुड एक्सपेक्ट कि आपको ये पता होना चाहिए राइट सेवेंटी फोर एंड 74.10 ये रेट्स हैं आपके ये थ्री मंथ फॉरवर्ड लिखा है मैंने ना मैंने रेट लिखा है ना मैंने स्वाप पॉइंट लिखा, लिखा है तो आप क्या समझोगे इसको दीज आर स्वाप पॉइंट्स बिकॉज 45.00 नहीं है ओके थ्री मंथ इंटरेस्ट रेट्स पर एनम दिया हुआ है तीनों करेंसी का समय बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एनुअलाइज इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इफ द कंपनी बोरोज इन यू एस डी एंड कवर्स एक्सचेंज रेट रिस्क थ्रू द फॉरवर्ड मार्केट कीप्स पोजिशन ओपन एंड द स्पॉट रेट आफ्टर थ्री मंथस टर्नस आउट टू बी रुपी पर डॉलर फोर्टी एट पॉइंट नाइन एंड फोर्टी एट पॉइंट नाइन फाइव समझा दो आप मुझे एक मिनट दो इस सम के अंदर में एक्चुअली हमारे पास बोरो करने के लिए तीन ऑप्शन है या तो आप रुपए में बोरो कर लो लोकल इंडिया में अगर आप लोकली बोरो करोगे में क्या निकालने को बोला कैन यू सी दैट एनुअलाइज इफेक्टिव कॉस्ट मतलब आंसर परसेंटेज में चाहिए इनको अगर आप लोकल में मतलब इंडिया में पैसे बोरो करते हो तो आपका कॉस्ट क्या आएगा नाइन परसेंट पर एनम और तो कुछ लगना नहीं है वहां पे अगर आप पैसा यूएस में करते हो बोरो Guys, इसमें डॉलर और पाउंड दोनों में करना है अपने को सम मैं आपको डॉलर समझा दूंगी ना पाउंड आप ऑटोमेटिकली खुद से ही कर लोगे आपको मेरी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी तो डॉलर को मैं अच्छे से समझा देती हूँ तो आपको पता है इसमें आंसर पांच बनेंगे वो कैसे वो सुनो आप एक आंसर बनेगा इंडिया का अगर पचास मिलियन रुपया आप इंडिया में बोरो करते हो तो आपका कॉस्ट क्या होगा नाइन परसेंट पर एनम ओके अगर आप पैसा यूएस में बोरो करते हो तो इतना सिंपल नहीं आएगा क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट रुपीज़ में है और आपको बेसिकली uh, डॉलर में बोरो करना पड़ेगा ओके वहाँ रुपी थोड़ी दे पाएगा कोई आपको तो आप अज्यूम करो कि आपका फ्रेंड रहता है यूएस में ओके और आप जाते हो उस फ्रेंड के पास में और बोलते मुझे पचास मिलियन रुपया चाहिए ओके वो यूएस में है वो आपको डॉलर देगा तो आपको पूछेगा ना कि बस तेरे को कितना डॉलर चाहिए तो आपको नहीं पता कितना डॉलर चाहिए बिकॉज आपको तो रिक्वायरमेंट रुपये में पता है तो आप कैसे सोचोगे आप ऐसे सोचोगे मैं उससे कितना डॉलर बोरो करूं जिसको आज बेचने से मेरे हाथ में आ जाए पचास मिलियन रुपया फिर से बोलूं मैं आप ऐसे सोचोगे कि मैं अपने फ्रेंड से कितना डॉलर बोरो बाय नहीं बोरो करूं जिसको आज ले जाके मार्केट में बेचूं तो मुझे मिलेगा पचास मिलियन रुपया तो बेसिकली एक तो डॉलर की बात हो गई तो डॉलर बाहर से आप लाके बेच के रुपए में कन्वर्ट करोगे इंडिया में उसको यूज करोगे और बाद में ब्याज समेत सामने वाले को लौटाओगे ये प्रोसेस होगा पूरा का पूरा लेकिन सम को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले कि डॉलर कितना बॉरो करना पड़ेगा वो तो अपन देखें तो लुक एट हियर, आई जस्ट राइट एंड शो यू बाद यू कैन जस्ट सी द सोल्यूशन फ्रॉम द बुक एक्चुअली दिखाती हूँ मैं आपको लुक एट हियर सपोज रिक्वायरमेंट इज रुपीज फिफ्टी मिलियन ओके और अगर मैं सम को देखू ना तो सम में बिड की रेट फोर्टी एट पॉइंट फाइव जीरो है ओके okay? तो आप बोलोगे मैम आप फोर्टी एट पॉइंट फाइव जीरो क्यों ले रही हो 48.50 में मैं इसलिए ले रही हूं बिकॉज मुझे डॉलर बेचना है अगर मुझे डॉलर बेचना है तो डॉलर मेरा मोबाइल है तो बेचने की रेट होगी 48.5। एंड कोटेशन के हिसाब से रुपी आपका x है तो x से अगर y में जाना हो तो हम डिवाइड करते हैं तो कैसे लिखते हैं डॉलर इक्विवेलेंट अमाउंट डॉलर इक्विवेलेंट अमाउंट टू बी बोरोड यू कैन जस्ट ऑब्जर्व एक्चुअली सोल्यूशन आपके पास ऑलरेडी है बोरोड विल बी रुपीज फिफ्टी मिलियन डिवाइड फोर्टी एरो फोर्टी एट पॉइंट फाइव विल गिव यू डॉलर वन पॉइंट जीरो थ्री जीरो नाइन थ्री मिलियन मतलब क्या हुआ इसका अगर मैं आज 1.03093 मिलियन बोरो करके स्पॉट मार्केट में 48.5 पे सेल कर दूं तो मेरे हाथ में 50 मिलियन रुपया आ जाएगा अब ये जो आपका फ्रेंड है जिसने ये पैसे आपको उधार दिए हैं उसको ब्याज लगेगा आपको पता है ब्याज की रेट कितनी दे रखी है चार परसेंट पर एन की और आपकी बोरोइंग होगी आई थिंक थ्री मंथ्स की तो अमाउंट ऑफ डॉलर्स टू बी

इंटू फोर परसेंट इंटू थ्री डिवाइड बाई ट प्लस वन पॉइंट जीरो थ्री जीरो नाइन थ्री विल गिव मी डॉलर वन पॉइंट जीरो फोर वन टू फोर मिलियन राइट ये पैसे आपको अपने फ्रेंड को वापस करने पड़ेंगे ये पता तो अपने को आज ज़ीरो पर ही पता चल गया लेकिन अब ये पैसे आपको कैसे अरेंज करने हैं ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्यों क्योंकि आपके पास दो रास्ते हैं एज पर द सम नंबर वन आप कुछ मत करो आप मेचोरिटी का वेट करो जब आपके पास में आपने क्या किया है डॉलर बोरो किया है रुपये में कन्वर्ट किया है और उस पैसे को आपने अपने बिजनेस में यूज कर लिया ओके okay? रुपी में है आपके पास पैसे अब आपका बिजनेस चल पड़ा आपके पास पैसे का कंफर्ट आ गया तीन महीने के बाद तो आप रुपी को यूज़ करके ये जो 1.04 पॉइंट जीरो फोर है ये खरीद के अपने फ्रेंड को आपको वापस करना पड़ेगा नाउ यू विल बाय बट नॉट एट स्पॉट यू विल बाय एट थ्री मंथ

फॉरवर्ड कवर तो बेसिकली रेट विल बी फॉरवर्ड रेट थ्री मंथ रेट विल बी रुपीस 48.55 एंड प्लस .50, दैट विल गिव मी व्हाट? 48.55 एट पॉइंट प्लस मी रुपीज़ फोर्टी नाइन पॉइंट जीरो पर डॉलर मतलब ये वाला अमाउंट इस रेट पे बाय करके पे किया जाएगा अगर आप फॉरवर्ड बुक करते हो तो नाउ लेट अस सी द सोलूशन यू विल अंडरस्टैंड नाउ आई थिंक नाउ हियर आप देखो यहाँ पे के करके आते हैं अपन ओके सो यहाँ पे आप देखो ओके okay. ये इंडिया की बोरोइंग का है राइट नाइन परसेंट ये निकाला है मैंने यहाँ पे सोल्यूशन में आप देखो यहाँ पे चेक करो ये निकाला है सब निकाला है बट अल्टीमेटली अपने को पता था नाइन परसेंट इज द आंसर ना डॉलर बॉरोइंग आई हैव टेकन द सेम स्टेप्स ओके दिस स्टेप इज देयर दिस स्टेप इज देयर देन फॉरवर्ड कवर में यू हैव टेकन फोटी नाइन पॉइंट जीरो फ़ाइव आप देखो यहाँ पे अगर ये वाला अमाउंट आप फोर्टी नाइन पॉइंट ज़ीरो फाइव पे बाय करते हो तो आपके घर से ये पैसे जाएंगे तो कॉस्ट होगा फिफ्टी वन पॉइंट ज़ीरो सेवन थ्री लिया कितना था पचास डिफरेंस निकाला है आंसर ये आता है मतलब अगर आपने डॉलर बोरो किया और डॉलर बोरो करके आपने पेमेंट वापस करी तो आपका कॉस्ट 8.584 परसेंट पर एनम पड़ेगा बस क्या आप ये बोलना चाहते हो कि 51.073 मिलियन के अंदर में ब्याज भी है और फ्लक्चुएशन भी है करेक्ट ना बिकॉज आप पैसा लाए थे 48.5 में और आपने वापस किया है 49.05 में तो आपको नहीं लगता कि आपने ज्यादा पैसा पे किया है राइट बियॉन्ड द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ डॉलर ऑल्सो दैट मीन्स एट पॉइंट फाइव एट फोर परसेंट पर एन एम हैज गॉट बोथ द कॉम्पोनेट बोथ ऑफ फ्लक्चुएशन एज वेल एज डॉलर कॉस्ट ओके बट स्टिल इट इज लोअर देन नाइन परसेंट पर एन एम विच इज बिंग चार्ज इन इंडिया अगर आप कुछ नहीं करते हो तो उन्होंने रेट दे रखी है फोर्टी एट पॉइंट नाइन फोर्टी एट पॉइंट नाइन फाइव यह उस दिन की स्पॉट रेट है तो आप 48.95 पर डॉलर बाय करोगे बिकॉज बाय करने की रेट वही है इफ़ यू डज नॉट बाय एनी कवर एंड वेट स्टिल मेचोरिटी इट इज हैज बिन रिटर्न देयर दैट मीन्स यू विल पे दिस अमाउंट एंड दिस इज द आंसर इन दैट केस सेम तरीके से आप पाउंड के लिए भी करोगे एग्जैक्टली सेम स्टेप्स लेट मी टेल यू वन थिंग यू हैव गॉट फाइव आंसर्स नाउ यू कैन सी द सोलूशन लेटर ऑन एक इंडिया का दो डॉलर का और दो पाउंड का अगर आप पांचों आंसर को देखोगे तो डॉलर बोरोइंग ये वाला डॉलर borrowing विथ नो कवर विल बी द लोवेस्ट among ऑल ऑफ them but अगर आप ये सोच रहे हो कि ये आंसर कोइंसिडेंटली आया है तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हो बिकॉज ये आंसर कोंसिडेंटली नहीं आया है रादर ये आंसर उन्होंने जानबूझ के इस तरह से फ्रेम किया क्वेश्चन को कि ये आंसर आए तो यू विल नॉट से दैट डॉलर बोरोइंग विथ नो कवर इज द बेस्ट बिकॉज इट इज नॉट गुड टू गिव सच ए सजेशन कि आप कवर ही मत लो तो so, आप पॉलिटिकली करेक्ट आंसर बोलोगे और आप बोलोगे दैट दो dollar borrowing with no cover is the best alternative yet the final decision will depend on the risk appetite of the organization if the company is risk averse we would suggest to go for next best alternative i hope guys understood Okay, our next topic is exchange rate determination, and I think it is a favorite topic of yours. Aap, please, uh, structure flow, which I have you in the beginning, please aap usko follow. Karte raho. Uh, I think if you follow that, अपन वन बाई वन एक एक करके सारा लेते जाएंगे मैंने वहाँ पे ज्यादा ब्रेकअप नहीं किया था यहाँ पे ज्यादा ब्रेकअप करूंगी बिकॉज वहां पे आई वॉन्ट टू कीप इट लिमिटेड सो दैट यू डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा पोर्शन पढ़ना है मुझे ओके okay? सो so इसमें एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन में गाइस तीन पार्ट होते हैं इंटरेस्ट रेट पैरिटी थियोरी परचेजिंग पावर पैरिटी थियोरी और इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट इंटरेस्ट रेट पैरिटी थियोरी इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग मैं आपको सारा समझाऊंगी जितना भी पॉसिबल होगा ओके इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी के अंदर में एक्चुअली कई बाइफर्केशन है वो आपको मैं दिखाती हूँ इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, ओके बट इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी चालू करने के पहले एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन क्या होता है वो आप सुनो दो देश के बीच में एक्सचेंज रेट का डिसीजन होना मतलब रुपी और डॉलर की रेट अगर 50 है आज तो एक साल के बाद क्या होनी चाहिए तीन महीने के बाद क्या होनी चाहिए या छह महीने के बाद क्या होनी चाहिए इसी डिस्कशन को बोला जाता है एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन दो देश के बीच में एक्सचेंज रेट डिसाइड एक चीजों के एक चीज के ऊपर नहीं होती गए इट इज़ अप इट इज़ लाइक मल्टीपल चीज़ों का यू नो काइंड ऑफ इंटरमिंगलिंग है ये किसी एक चीज़ से डिसाइड नहीं होगा कि भाई इस कंट्री में अगर ये चीज़ ऐसे और ये चीज़ ऐसे है तो एक्सचेंज रेट ये होगा आई थिंक मेनी फैक्टर्स वी के नॉट इवन आइडेंटिफाई ऑल्सो तो थियरटिकली कैसे बात करते हैं वो सुना आप एक्सचेंज रेट बिटवीन टू कंट्रीज इज बेस्ड ऑन मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स लाइक Uh, interest rate, inflation rate, GDP growth rate of the two countries, then balance of payment between the two countries, fiscal deficit of two countries, monetary deficit of the two countries, political stability of the two countries, and so on. But it is not possible to consider all the factors at one point of time in a model, and hence we consider only one factor at one point of time and keep other factors as constant on the basis of interest rate prevailing in two countries we try to predict the quotation of one country against the another and that is called interest rate parity theory when we try to predict the quotation of one country against another on the basis of inflation prevailing in two countries it is called purchasing power parity theory ये दो मॉडल सबसे ज्यादा पॉपुलर है और यही इंटरनेशनल फाइनेंस में पढ़े जाते हैं आपको वन बाई वन आई विल पिकअप एंड ट्राई टू एक्सप्लेन ओके सबसे पहले मैंने लिया है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी ओके इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है वो देखो आप वॉट इज आई क्या होता है वो समझना इंपॉर्टेंट है देन

एक वन बाय वन वी कैन टेक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ देम बिकॉज इसकी भी बाईफर्केशन आएगी एक्चुअली फॉरवर्ड कवर आई वुड वांट कि आप लिख लो ये वाला अच्छा रहेगा बिकॉज नोट्स में नहीं है वो फॉरवर्ड कवर वर्सेस मनी मार्केट कवर शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट लास्ट वन लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट ओके या फिर इसको इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अप्रेजल भी बोला जाता है इट डजेंट मैटर टू मच शॉर्ट टर्म का मतलब हुआ एक साल के अंदर और लॉन्ग टर्म का मतलब हुआ एक साल से ज़्यादा विल डिस्कस दैट इन डिटेल बट लेट द टाइम कम फॉर दैट टॉपिक अभी फिलहाल अपन डिस्कस कर रहे हैं वॉट इज आई आर पी राइट ना तो गैज मैंने क्या बोला कि जब एक करेंसी का दूसरे करेंसी के टर्म्स में हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या रेट होना चाहिए ये बेसिकली क्या हो गया यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर तो ये तो अपने बार बार करते आए हैं ना इक्विटी के चैप्टर में हमने वी ट्राई टू फाइंड आउट द शुड बी वैल्यू ऑफ अ स्टॉक वी ट्राई टू फाइंड आउट द शुड बी वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड शुड बी वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स आप निकालोगे शुड बी वैल्यू ऑफ ऑप्शन आप निकालोगे सिमिलरली रुपये का डॉलर के साथ रेट क्या होना चाहिए वो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इन सब के ऊपर एक बात आप ध्यान रखना और वो ये है दैट जो भी प्राइजिंग मॉडल आज तक बने हैं उन सब के अंडरलाइंग एजम्सन एक होती है दैट द प्राइस ऑफ एन एसेट इज दैट प्राइस दैट वेयर नो बडी इज एबल टू कंडक्ट आरबी मतलब एक एसेट की प्राइस परफेक्ट तब मानी जाएगी जब उस प्राइस के ऊपर कोई भी आरबी ना कर पाए फॉर एग्जाम्पल अगर आपके रिलायंस के स्टॉक का भाव बारह सौ रुपया एनएससी में चल रहा है और तेरह सौ रुपया बी में चल रहा है तो इस 1200 और 1300 एप्रोप्रिएट प्राइस ऑफ रिलायंस नो बोथ ऑफ देम आर नॉट करेक्ट ओके लेकिन अगर दोनों मार्केट में रिलायंस के स्टॉक का भाव अगर हजार या दोनों में 1200 या दोनों में 1500 हो देन दैट प्राइस विल बी रिगार्डेड एज द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्राइस ऑफ रिलायंस बिकॉज एट दैट प्राइस देर इज नो स्कोप फॉर आर्बिटराज सिमिलरली इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द शुड बी वैल्यू ऑफ

ओके okay? तो सपोज कर एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं यहाँ पे स्पॉट रुपी पर डॉलर इज सपोज फिफ्टी अज्यूम कर लो आप आई डॉलर मैंने अब तक आई आर पी आपको समझाया नहीं है मैं एग्जाम्पल करूंगी आपको समझेगा उसके बाद समझाऊंगी ओके okay? आई डॉलर मतलब डॉलर का ब्याज ओके सपोज़ फोर परसेंट है और आई रुपी रुपी का ब्याज टेन परसेंट है ओके okay? तो ये जो डेटा आपने को दे रखा है इसके बेसिस पे एक आर्बिट्राज की स्ट्रैटेजी बनाते हैं और देखते हैं आरपी किसको किस को बोला जाता है ओके स्टेप नंबर वन आई एम श्योर आपको आता होगा ये वाला पार्ट बोरो डॉलर टेन थाउजेंड एट द रेट ऑफ फोर परसेंट फॉर वन ईयर ओके सो आउटफ्लो एक साल के बाद कितना होगा दस हजार डॉलर प्लस दस हजार डॉलर इंटू फोर परसेंट इंटू जरूरत नहीं है लेने की बिकॉज एक साल का हिसाब चला अगर वो तीन महीने का होता तो अपन तीन बाई बारह करते थे उसको ये हो जाएगा दस हजार चार सौ ओके देन नंबर टू कन्वर्ट डॉलर टेन थाउजेंड ऑन द स्पॉट ओके क्यों दस हज़ार लिया दस हज़ार चार सौ नहीं लिया क्योंकि दस हज़ार चार सौ एक साल के बाद देना है अभी मेरे पास सिर्फ दस हज़ार डॉलर हैं ओके स्पॉट एट द रेट ऑफ रुपीज़ फिफ्टी पर डॉलर कितने पैसे आएंगे डॉलर टेन थाउजेंट इंटू रुपीज़ फिफ्टी पर डॉलर ओके कितना आता है चेक करो आप दस हजार इंटू फिफ्टी विल गिव मी वॉट फाइव लाख रुपीज पांच लाख रुपए आ गए ये पैसे मैं इंडिया में इन्वेस्ट करूंगी दस परसेंट के ब्याज पे इन्वेस्ट रुपीज फाइव लाख एट द रेट ऑफ टेन परसेंट पर एनम फॉर वन ईयर कितने पैसे आएंगे आप बताओ सो रुपी फाइव लैख प्लस रुपीज़ फाइव लैक इंटू टेन परसेंट ओके तो ये आ जाएगा पाँच लाख पचास हज़ार हाँ पाँच लाख पचास हज़ार ओके अब ये पैसे मुझे घर लेके जाने हैं ओके और मैंने आपको रेट नहीं दे रखी है लुक एट दैट मैंने आपको रेट नहीं दे रखी है ओके ना सो बेसिकली अब आपको मैं दिखाती हूँ कि क्या होता है करके पॉइंट नंबर फोर पॉइंट नंबर फोर में मैं आपको तीन रेट देती हूँ तीन रेट ओके सो सपोज करो कि तीन रेट मैं देती हूँ एक रेट देती हूँ रुपीज फोर्टी एट पर डॉलर ऑन द डे ऑफ मेचोरिटी अब ये पैसे लेके जाने पड़ेंगे ना मुझे यूएस मेरे घर ओके okay? क्योंकि मुझे जिससे बोरो किया उसको वापस भी तो करना है एक रेट मैं आपको देती हूँ रुपीज़ फिफ्टी टू पॉइंट एट एट फाइव पर डॉलर एंड दिस इज़ रुपीज़ फिफ्टी फाइव पर डॉलर ओके इन तीनों में से ऑल्टरनेटिवली देखते हैं कन्वर्ट करके किस में कितना पैसा आता है ओके अगर आप पाँच लाख पचास हज़ार को फोर्टी एट से डिवाइड करोगे रुपी है डॉलर में जाना है तो डिवाइड करेंगे ओके अपने को आते हैं डॉलर वन वन फोर फाइव एट पॉइंट डबल थ्री इसमें आएगा फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड डिवाइड बाई फिफ्टी टू पॉइंट डबल एट फाइव आई गेट एग्जैक्टली डॉलर टेन थाउजेंड फोर हंड्रेड और इसमें आएगा पाँच लाख पचास हजार डिवाइड बाई फिफ्टी फाइव ओनली टेन थाउजेंड इस पर तो आर्बिट्राज हुआ ही नहीं अपना इस पर आर्बिट्राज नहीं हो पाया इस पर भी नहीं करेंगे बिकॉज वॉट यू कैन यू सी दैट अपने को पहले वाली रेट में कितना ज़्यादा पैसा आया है यू हैव टू नीड यू रिक्वायर एक्चुअली नो यू डोंट नीड यू रिक्वायर टेन थाउजेंड फोर हंड्रेड डॉलर टू रिटर्न लेकिन दस हजार चार सौ डॉलर देने के बाद भी आपके पास पैसे बचेंगे इस केस में दैट मीन्स डू यू थिंक दैट दिस रेट इज एन अप्रोप्रिएट रेट बिटवीन रुपी एंड डॉलर आफ्टर वन ईयर ऑन द बेसिस ऑफ आई आर पी नो On the basis of IRP, the perfect rate between rupee and dollar after one year would be 52.885, where the spot rate is 50 today and the interest rate prevailing in US is 4%, and the interest rate prevailing in India is 10% per annum. That means 52.885 is a perfect IRP rate because at this rate, arbitrage is not possible. तो क्या बोलता है आई वो सुनो आप आई आर पी द कंट्री हैविंग द लोअर इंटरेस्ट रेट अपने एग्जाम्पल में कौन है यूएस देन द कंट्री हैविंग द लोअर इंटरेस्ट रेट शुड ट्रेड एट अ फॉरवर्ड प्रीमियम मैम इसका मतलब क्या मतलब ये हुआ कि अगर इंडिया का ब्याज का रेट 10 है और यूएस का ब्याज का रेट 4 है तो कम किसका है यूएस का है उसकी करेंसी प्रीमियम पर ट्रेड करनी चाहिए मतलब क्या अगर रुपये डॉलर की रेट अगर आज पचास है तो फ्यूचर में जाके पचास से ज़्यादा होनी चाहिए ये बोलना चाह रहा है वो सवाल यह है कितना ज़्यादा होना चाहिए तो कितना ज़्यादा होना चाहिए जो दोनों के ब्याज का डिफरेंस है टेन माइनस फोर इज वॉट सिक्स परसेंट एंड फाइव पॉइंट सेवन सेवन परसेंट एग्जैक्टली अगर आप पचास रुपया को परसेंट से प्रीमियम पे लेके जाओगे मतलब बढ़ाओगे तो आपको मिलेगा 52.885 अगर ऐसा हुआ वो क्या बोलता है आरपी अगर ऐसा हुआ दैट मींस इफ द रेट अप्रिशिएट बाय द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल देन देयर विल बी नो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी यू कैन सी ऑन योर ओन ऑल दैट मींस

आई होप यू अंडरस्टूड दैट पार्ट मैं आपको सिर्फ एक चीज लिखे दिखा देती हूँ यहां पर कंक्लूजन पार्ट दिस मीन्स इफ द डिफरेंशियल इफ द डिफरेंशियल बिटवीन interest rate and spot and forward is same there would be no arbitrage opportunity please write down guys ओके विच मीन्स एफ माइनस एस बाई एस डिफ्रेंस बिटवीन द स्पॉट एंड फॉरवर्ड शुड बी इक्वल टू वन प्लस आई ए माइनस वन प्लस आई बी द होल डिवाइड बाई वन प्लस आई बी आई ए क्या है एक्स करेंसी बी क्या है वाई करेंसी मैंने यहां से ही किया था 1.10 माइनस 1.04 डिवाइड बाय 1.04 पॉइंट ज़ीरो करोगे तो 5.77 परसेंट आएगा एक बात बता दूं अगर आप 50 को 6 परसेंट से बढ़ाते ना तो ऐसा परफेक्ट दस हज़ार का अमाउंट नहीं आता था लेकिन अगर आप 5.77 से करोगे तो आपको एक्जैक्ट दस हजार का अमाउंट आएगा ओके दूसरा सवाल कि मैम आपने वन क्यों ऐड किया है मैथमेटिकल सेंस के हिसाब से एफ और एस अमाउंट में चल रहा है लेकिन आई ए और आई बी आई ए रुपी, आई बी डॉलर रुपी डॉलर ए रुपी बी डॉलर ओके तो आई ए और आई बी परसेंटेजेस हैं, गैस इक्वेशन के मैथमेटिकल कंपैटिबिलिटी कैसे बैठने वाली आप बताओ मुझे पॉसिबल नहीं है ना इसलिए परसेंटेज में अगर आप वन ऐड कर दोगे तो वो बन जाएगा फॉर एग्जाम्पल एक रुपया चार पैसा वो भी अमाउंट में कन्वर्ट हो गया एक रुपया चार पैसा एक रुपया दस पैसा एंड सो ऑन सो फोर्थ इसके लिए आई I मीन mean, इधर अमाउंट है इधर परसेंटेज है इक्वेशन में इक्वल टू आप कैसे डालोगे इट इज़ नॉट अ मैथमेटिकल कंपेटिबल इक्वेशन इन ऑर्डर टू मेक इट इक्वेशन कंपेटिबल आपको परसेंटेज में वन लगा करके फैक्टर बनाना पड़ेगा मतलब एक रुपया दस पैसा माइनस एक रुपया चार पैसा डिवाइड बाई एक रुपया चार पैसा डिनोमिनेटर में एक रुपया चार पैसा इसलिए आया है बिकॉज यू आर कंप्यूटिंग विथ रेस्पेक्ट टू डॉलर ओके दिस इज योर आई आर पी ओके मैंने आपको डेफिनेशन भी बोला है तो लेट्स गो अहेड एंड लेटस सी वॉट इज द इक्वेशन ऑफ आई आर पी ओके अभी इक्वेशन ऐसा कुछ भी नहीं है मतलब आपको एफ एस आई ए और आई बी को इक्लिब्रियम में रखना ऊपर मैंने अभी लिखा है ना इक्लिब्रियम का इक्वेशन सेम जाएगा ये तो बेसिकली क्या करेंगे ये लोग एफ एस आई ए और आई बी ओके अगर चारों डेटा दिया तो वो बोलेंगे पता करो आर्बिट्राज होगा क्या ओके okay, तो अपने क्या करेंगे तीन बिठाएंगे फोर्थ की वैल्यू निकालेंगे और फोर्थ वाले को तीन को बिठाएंगे एक को साइलेंट रखेंगे आप किसी को भी साइलेंट कर सकते हो एक को साइलेंट रखेंगे उसकी वैल्यू निकालेंगे और दी भी उसकी वैल्यू से कंपेयर करेंगे अगर सेम है तो नो आर्बिट्राज अगर सेम है अगर सेम नहीं है तो आर्बिट्राज होगा मतलब वो पूछेगा कि आई के हिसाब से मार्केट एक्लिबरियम में है क्या इफ द वैल्यूज आर सेम जो आपने कैलकुलेट किया और उसकी जो रियल वैल्यू है अगर दोनों सेम होगी तो आप बोलोगे मार्केट एक्लिब्रियम में है एंड देर इज नो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी अगर वो दोनों सेम नहीं आते हैं तो आप आर्बिटराज करोगे एक बात आपको बता दूँ आर्बिट्राज इज़ अ ब्यूटिफुल प्रोसेस एक्चुअली बिकॉज ऑफ आर्बिटराज ओनली दिस मार्केट्स कम बैक टू द एक्बरियम मार्केट प्रोसेस में कभी ऊपर कभी नीचे करता रहेगा डिमांड सप्लाई की वजह से और बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से लेकिन आर्बिट्राज की वजह से ही मार्केट एक्लिब्रियम में वापस आता है फिर अपनी जगह से हटता है फिर आर्बिट्राज होता है फिर वापस जाता है सो इट्स अ प्रोसेस ओके, सो इक्वेशंस ऑफ आई आर पी में राधाइल इक्वेशंस, ए, एफ बाय एस इज इक्वल टू वन प्लस एन आई ए बाई वन प्लस एन आई बी ये कब आप यूज करोगे व्हेन, द इंटरेस्ट रेट्स आर कंपाउंडेड only once in a year। ब्याज कम से कम कितनी बार कंपाउंड होना चाहिए साल में कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए ओके okay? नाउ अगर सपोज करो आप बैंक के पास जाते हैं केस वन केस टू फटाफटा पिकअप करना ओके टाइम वैल्यू ऑफ मनी की चीज है अगर टाइम वैल्यू ऑफ़ मनी आपका वीक है गाइस तो मैंने टाइम वैल्यू ऑफ़ मनी का पूरा पूरा फुल लेक्चर मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है आप जाके देखो अगर आपका टाइम वैल्यू ऑफ़ मनी वीक है तो आपको मैं बता दूं एस आपका कभी स्ट्रांग नहीं हो पाएगा वो स्ट्रांग होना ज़रूरी है आपका है ना आगे बढ़ रही हूँ अगर आप बैंक के पास जाते हो और आप बैंक को अगर बोलते हो कि बॉस मुझे दस डिपॉजिट करना है ब्याज मतलब इन्वेस्ट करना है तो बैंक बोलता ठीक है टेन परसेंट पर एनम और कुछ भी नहीं बोला मतलब साल के अंत पे आप मेंटली जोड़ोगे ना दस हजार प्लस दस परसेंट मतलब मेरा पैसा ग्यारह हजार हो जाएगा एक साल के बाद ये तो खत्म हो गई ऐसे वाले जब सिचुएशन हो ना तो ये वाला ये वाला फार्मूला लगेगा आपका ये फार्मूला राइट अगर आप बोलोगे नहीं बॉस मुझे छः महीना ही पैसा रखना है तो बैंक बोलेगा ठीक है पाँच परसेंट मिलेगा तुमको आप दस हजार पाँच सौ लेके निकल जाओगे तो यहाँ पे यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ बोल रही हूँ ओके नाउ हियर आप बोलोगे मैम ये फॉर्मूला कहाँ से आया इस इक्वेशन में जो आपने इक्वेशन अभी लिखा है ना ये वाला इसमें आप प्लस वन इस साइड में और प्लस वन इस साइड में करोगे तो बिलीव मी आपको यही वाली इक्वेशन मिलेगी लेकिन वहाँ पे एन क्या है बताती हूँ। आपको ये समझा मतलब ये बेसिकली आई मीन टू से दैट भी दोनों इक्वेशन सेम है बिल्कुल राइट right, ना क्योंकि दोनों ही नो आर्बिट्राज का इक्वेशन है मतलब एफ माइनस एस बाई एस परसेंटेज वन प्लस आई ए माइनस वन प्लस वन प्लस आई बी डिवाइड बाई वन प्लस आई बी परसेंटेज अगर ये दोनों परसेंटेज सेम है तो आर्बिट्राज नहीं होगा मतलब दिस इज आर्बिट्राज इक्वेशन फ्रॉम द परसपेक्टिव ऑफ आई आर पी ओके अगर आप मुझे चार डेटा दोगे एफ एस आई ए आई बी तो मैं एफ माइनस एस बाई एस करूंगी रख लूंगी वन प्लस आई ए माइनस वन प्लस आई बी बाई वन प्लस आई बी कैलकुलेट करूँगी रख लूंगी दोनों सेम है तो नो आर्बिट्राज मार्केट इज इनिब्रियम अगर नहीं है तो आर्बिट्राज ओके नाउ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ उसी इक्वेशन में अगर आप प्लस वन दोनों तरफ ऐड करोगे मैथमेटिकली तो यू विल गेट ए नो चेंज एट ऑल कुछ भी अलग नहीं आ सकता पॉसिबल नहीं है मेरा ग्रा है वो अब बोलोगे मैम एन आ गया ऊपर वाले इक्वेशन में मैंने एनुअल माना है इसलिए एन नहीं लिया लेकिन मैं बता दूं आपको प्रैक्टिकल मार्केट में छह महीने से ज्यादा का फॉरवर्ड अवेलेबल नहीं है और ब्याज का रेट हमेशा पर एनम कोट होगा तो जब आपको जाना ही छह महीने आगे है तीन महीने आगे है तो ब्याज का रेट साल का थोड़ी ना लोगे टाइम एडजस्टमेंट करोगे आपको तो टाइम एडजस्टमेंट कैसे करोगे दस परसेंट इंटू छ बाई बारह पांच परसेंट हो जाएगा और चार परसेंट इंटू करोगे तो दो परसेंट हो जाएगा लेकिन दस परसेंट इंटू छ बाई बारह और चार परसेंट इंटू बाई बारह आप तब करोगे द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ओनली वंस इन अ ईयर जैसे मैंने पहला एग्जांपल आपको बोला आप बोलोगे कि, कि मैम और भी कुछ है हाँ है देखो यहां पे आप नंबर बी में एफ बाई एस इज इक्वल टू वन प्लस आई ए रेस्ट द पावर एन एंड वन प्लस आई बी रेस्ट द पावर एन ये कब यूज होगा वेन द इंटरेस्ट रेट्स आर कंपाउंडेड मोर देन वंस इन अ ईयर ये आपको समझाऊंगी आप मुझे प्लीज एक मिनट दो ओके लाइक क्वार्टरली हाफ ईयरली अब सपोज करो आप बैंक के पास गए और बैंक को बोला दस हजार रुपये डिपॉजिट करना बैंक ने बोला कर दो बैंक ने बोला टेन परसेंट पर एन एम कंपाउंडेड हाफ ईयरली समझा साल में दो बार ब्याज जुड़ेगा तुम्हारे पैसे पे ओके okay, ठीक है तो दस हजार रुपया जीरो पे डाला विजुअलाइज करना दस हजार रुपया जीरो पे डाला छः महीने के बाद ब्याज जुड़ना चाहिए कितना दस क्या पाँच पाँच तो आपके पैसे बन गए दस हजार प्लस फाइव परसेंट फर्स्ट जुलाई को आपका प्रिंसिपल हो गया दस हजार पाँच सौ का दिसंबर इकतीस को वापस पाँच परसेंट ऐड होगा और आपके पैसे होंगे ग्यारह हजार पच्चीस ओके क्योंकि ब्याज दो बार कंपाउंड हुआ वो जो पाँच सौ रुपये कंपाउंड हुए थे उस पर भी पाँच परसेंट मिला इसके लिए फर्स्ट एग्जाम्पल के मुकाबले आपका सेकेंड एग्जाम्पल में पच्चीस रुपया ज़्यादा आ रहे हैं ओके okay? अगर वैसा केस हुआ तो आप इन दैट सिनेरियो आपको पता है क्या बोलेंगे अपन अपन उस सिनेरियो को बोलेंगे रेट्स आर कंपाउंडेड मोर देन वंस इन अ ईयर पहले वाले केस में आपकी रेट होगी टेन परसेंट सेकेंड वाले रेट केस में आपकी रेट टेन परसेंट नहीं होगी फ्लैट रेट होगी टेन परसेंट बट इफेक्टिव रेट यानी कंपाउंडिंग के साथ रेट होगी टेन पॉइंट टू फाइव परसेंट कैसे आया ग्यारह हजार पच्चीस माइनस दस हजार डिवाइड बाय दस हजार इन टू हंड्रेड ओके तो टेन पॉइंट टू फाइव परसेंट आपको आएगा ओके okay? इसको बोला जाएगा इफेक्टिव रेट तो मैं कैसे लिखूंगी द रेट्स आर कंपाउंडेड हाफ इयरली और ट्वाइस इन अ ईयर एंड द रेट्स आर इफेक्टिव मतलब जो हमने आपको ब्याज का रेट दिया है वो साल में कंपाउंडिंग के इफेक्ट के साथ दिया है अगर वैसा रहा तो फॉर्मूला नंबर वन आप नहीं लगा सकते आप टू लगाओगे क्यों एक मिनट के बाद द लास्ट वन एफ बाई एस एफ इज इक्वल टू एस इंटू आई ए माइनस आई बी इंटू एन ये कब वेन द रेट्स आर

दैट्स टेक टेन परसेंट ओनली टेन परसेंट पर एन एम एंड आई डॉलर इज सपोज फोर परसेंट पर एन एम मैं कह रही हूँ सम में कम्प्यूट सिक्स मंथ फॉरवर्ड राइट है ये डेटा कैसा है नॉर्मल डेटा है फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा इसमें सो एफ डिवाइड बाई फिफ्टी इज इक्वल टू वन प्लस आई ए ये ए होगा और ये बी होगा हमेशा हमेशा एक्स इज ए एंड वाई इज़ बी वन प्लस आई ए राइट तो पॉइंट वन जीरो इंटू सिक्स बाई ट्वेल्व द होल डिवाइड बाय वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो फोर इंटू सिक्स डिवाइड बाई ट्वेल्व ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए ओके नाओ तो फॉरवर्ड रेट क्या आएगी देखना आप कैसे कैलकुलेट होता है ये वन पॉइंट ज़ीरो फाइफ Divided by one point zero two into fifty. I am going to get fifty one point four seven per dollar. Here rate, I okay. Okay, suppose next example spot Rupees fifty per dollar. I rupees is ten point two five per cent per annum, and I dollar is four point zero four per cent per annum. The rates are compounded. हाफ ईयरलीर एनुअलाइज इफेक्टिव ओके अगर ऐसा रहा मैं जो लिखने वाली हूँ गलत फार्मूला होगा एक्चुअली रोकेटिया क्या होता है अगर मैं पहला फार्मूला लिखती हूँ तो क्या गड़बड़ होगी वो सुनना आप एफ बाई फिफ्टी इज इक्वल टू वन प्लस पॉइंट वन ज़ीरो टू फाइव इंटू छई बारह डिवाइड बाई वन प्लस ज़ीरो पॉइंट जीरो फोर ज़ीरो फ़ोर इंटू बारह आपको लगता नहीं है गलत हो चुका है पूरा क्यों आपने नोटिस नहीं किया कि अगर आपने दस हज़ार रुपये डाले ओके छः महीने पे प्लस फाइव परसेंट आपने ऐड किया आपका पैसा हुआ दस हज़ार पाँच सौ फिर से आपने पाँच परसेंट डाले तब जाके आपका पैसा हुआ ग्यारह हजार पच्चीस ये ज़ीरो पे ये छः महीने पे और ये बारह महीने पे आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको छः महीने में निकलना होता तो क्या आपको इस पच्चीस का आधा मिलना चाहिए क्या नहीं लेकिन अगर आप इसको छः बाई बारह करोगे तो पच्चीस का आधा आ रहा है ना आपको छः महीने ही आगे जाना है तो ये पच्चीस का आधा आप कैसे ले सकते हो ये पच्चीस तो पूरा आपको मिलेगा साल के एंड में अगर आप यहां निकलोगे तो आपको तो यही पैसे मिलेंगे इस पच्चीस का आधा थोड़ी ना मिलेगा आपको तो अगर आप ये ऐसे डेटा में इफ यू पुट सिक्स बाय ट्वेल्व देन यू आर बेसिकली कंसिडरिंग दिस ट्वेंटी फाइव ऑल्सो विच आर नॉट गेटिंग एट द एंड ऑफ सिक्स मंथ आप थोड़ी बोलोगे मुझे साढ़े बारह रुपये चाहिए छः महीने के एंड पे पॉसिबल नहीं है इसका मतलब ये गलत जा रहा है तो ये सोल्यूशन गलत है कैसा होना चाहिए एफ बाई फिफ्टी एट हियर क्या होने वाला है 1.1025 पे अगर मैं 6 डिवाइड बाय 12 एंड 1 प्लस 0.0404 पे 6 बाय 12 कर दूँ यू नो इफ़ यू सॉल्व व्हाट यू विल गेट एफ बाई 50 अगर आप करोगे तो यू विल गेट वन लुक एट हियर लेट मी पुट अ डॉट आल्सो फॉर यू And this you will get as 1.02. I don't want to solve further, you understood what I am trying to tell you. That means compounding ka impact basically, tabhi hoga, agar a pure saal system mein and that is why you cannot use the first formula, you are going with the second formula only with such kind of data. Continuous compounding is simple, data dhyavara ega, factor lagana, answer niklega. This is all about equations of IRP. Guess, अगर पहला वाला आएगा और तीसरा वाला आएगा तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बिकॉज वो सिंपल होगा आप अप्लाई कर लोगे सेकंड वाले में आप केयरफुल रहना थोड़ा सा नोट्स नाउ नाउ मैंने यहाँ पे दिया है दो तीन चीजें वो सम फटाफट अपन खत्म कर लेते हैं आई थिंक थिंक नाउ इट विल लुक वेरी सिंपल फॉर यू ओके बेस्ड ऑन सिक्स मंथ फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉर्टी टू पॉइंट सिक्स सिंपलर देन वॉट यू हैव डन टाउ द एनुअलाइज फॉरवर्ड डिस्काउंट ऑन डॉलर हैप्पन्स टू बी टेन परसेंट गैस ये ना uh, ये क्वेश्चन नंबर फोर आपका फॉरवर्ड uh, और स्पॉट का जो प्रीमियम और डिस्काउंट का समय उसका समय तो ये आप खुद से कर लेना आई डोंट वॉन्ट टू लाइक डिस्कस दिस बिकॉज दैट इज ईजी एंड यू कैन मैनेज दैट ऑन योर ओन आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस सम वेयर इट इज रिटर्न एक सम है आपके प्रैक्टिस मैनुअल में राधर मैं बोलूँ इंस्टीट्यूट का क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिस मैनुअल बोलूँगी तो नए वाले बच्चे बोलेंगे हमारा तो प्रैक्टिस मैनुअल है ही नहीं तो मैं ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहती बिकॉज फिनांस में सम नया और पुराना नहीं है अगर ऐसा होता तो सबसे पहले मैं ऑप्सोल्यूट होती ओके okay? और अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मैंने कोई आज पढ़ाई नहीं करी मैं 20 सालों से पढ़ रही हूँ तो यू डोंट हैव टू वरी दिस सम इज एप्लीकेबल बोथ फॉर न्यू एंड ओल्ड ओके लेट्स गो हेड नाउ क्या गुफा पे सम में वो ध्यान देना द फॉलोइंग टेबल शोज इंटरेस्ट रेट फॉर द यूनाइटेड स्टेट डॉलर एंड फ्रेंच फ्रैंक द स्पॉट एक्सचेंज रेट इज सेवन पॉइंट जीरो फाइव फ्रेंक्स पर डॉलर कंप्लीट द मिसिंग एंट्रीज इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट एनुअली कंपाउंडेड एनुअली कंपाउंडेड बोला है सामने से फ्रेंक इंटरेस्ट रेट एनुअली कंपाउंडेड फॉरवर्ड फ्रैंक पर डॉलर ओके वो पूछा है फॉरवर्ड डिस्काउंट पर फ्रेंक परसेंट पर ईयर गैस मुझे इस डेटा को देख के बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं आया कि ये मेथड नंबर वन से समझाएगा बिकॉज़ मेथड नंबर वन से ही जाएगा एक्चुअली मेथड नंबर टू से जाएगा ये डेटा देख के तो नहीं लग रहा है बिकॉज दे शुड हैव टोल्ड दैट द रेट्स आर कंपाउंडेड फॉर थ्री मंथस एंड दे आर एनुअलाइज इफेक्टिव मतलब उसको कंपाउंडिंग करने के बाद 10 नहीं 10.25 आपको दिया गया है ऐसा बताना पड़ता है उन्होंने नहीं बताया एंड दैट इज वाई एवरी स्टूडेंट ऑफ सी ए फल विल कीप ऑन आस्किंग डाउट्स ऑन दिस क्वेश्चन ऑल वेज ओके तो बच्चे मेरे पास आए बच्चे बोले कि मैम आपने जो सिखाया उस हिसाब से आंसर नहीं आ रहा है आई न्यू देर कैन बी ओनली वन मिस्टेक एंड दैट इज कि फार्मूला नंबर वन के मेथड से नहीं फार्मूला नंबर टू के मेथड से जाना चाहिए वेन वी यूज दैट मेथड वी कुड गेट ईच एंड एवरी आंसर करेक्ट ओके अब यहां पे आप देखो इंटरेस्ट रेट 11.5 परसेंट जो दे रखा है ना आपको ये क्या है पता है ये 10 नहीं है ये 10.25 है तीन महीनों के लिए मतलब ट्राई टू सी द एनालॉजी एंड 19.5 पॉइंट फाइव इज नॉट लाइक फोर इट इज फोर पॉइंट जीरो फोर रफली समथिंग ऑफ दैट नॉट ओनली ओके दिस सम दिस सम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीमियम डिस्काउंट एंड आई आर पी फॉर्मूला दोनों साथ में मिला करके बना हुआ है ओके ना तो ये सब में क्या करना है अपने को वो देखो आप सब में उन्होंने सपोज रेट जो दे रखी है वो अपन ऐसे सॉल्व करते हैं को अपने ऐसे करते हैं कि स्पॉट स्पॉट विल बी इक्वल टू एफ एफ आर सेवन पॉइंट ज़ीरो फाइव पर डॉलर राइट अब मुझे तो समझ में आ गया क्या समझ में आ गया कि ये मेरा एक्स है और ये मेरा वाई है एक्स इज ए वाई इज़ बी ये पता चल गया मुझे नाउ सब में इन्होंने क्या दिया उस हिसाब से मैं लिखूँगी ना फॉर थ्री मंथ्स फॉर थ्री मंथ्स ओके तो डॉलर के इंटरेस्ट रेट को क्या बोलेंगे अपन इसको ए बोलेंगे जो कि मे सेकेंड प्लीज दिस इज योर ए दिस इज योर बी तो डॉलर की रेट को क्या बोलोगे आई बी और फ्रेंक की रेट को बोलेंगे आई एज इक्वल टू नाइनटीन पॉइंट फाइव परसेंट एंड आई बी इज इलेवन पॉइंट फाइव परसेंट एनुअल कंपाउंडिंग बोला है तो पर एन एम हो गया ये राइट right? समय निकालने को क्या बोला है फॉरवर्ड फ्रैंक पर डॉलर फॉरवर्ड की रेट बोली अपने को निकाली वो निकल जाएगी बिकॉज आई आर पी में चार डेटा चाहिए स्पॉट फॉरवर्ड आई ए और आई बी और मेचोरिटी वो तीन महीने हैं अपने तीन बाई बारह तो अपना फॉरवर्ड रेट निकाल लेते हैं से सो बट यू विल नॉट यूज द फर्स्ट फार्मूला यू लूज द सेकेंड फार्मूला बिकॉज दिस नाइनटीन पॉइंट फाइव एंड एलेवन पॉइंट फाइव आर क्वार्टरली कंपाउंडेड इफेक्टिव रेट्स सो रेस्ट टू द पावर वन बाई फोर आएगा यहां पे ओके okay, सो so यहां पे लिखते हैं अपन एस पर आई आर पी F डिवाइड बाई 7.05, 1.195, 1 फाइव 4 पॉइंट 1.115. नाइन फाइव वन बाई फोर एंड वन पॉइंट वन वन फाइव एज लेट सी वी कैन बी बिट फास्ट एक्चुअली ओके यहाँ पे आती हूँ मैं आप देखो यहाँ पे लिखा है आई ए इज़ नाइनटीन पॉइंट फाइव सेम लिखा है ना यहाँ पे? ये यह लिखा देखो आई बी आपका एलेवन पॉइंट फाइव मैंने लिखा है स्पॉट सेम तरीके से लिखा है राइट ना एज़ पर आई आर पी देखो आप वन बाई फोर मैंने अभी लगाया ना और ये आंसर आता है सेवन पॉइंट वन सेवन आप जाके अगर सोल्यूशन देखोगे इंस्टीट्यूट का तो सेवन पॉइंट वन सेवन है पहला फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर नहीं आएगा ओके okay? दूसरी चीज जो पूछ रही है क्वेश्चन वो ये पूछ रहे हैं फॉरवर्ड डिस्काउंट फॉरवर्ड डिस्काउंट किसके ऊपर में फॉरवर्ड डिस्काउंट पर फ्रैंक एज पर द कोटेशन एफ एफ आर पर डॉलर में एफ एफ आर पर डॉलर में अगर देखा जाए तो ये एक्स है और ये वाई है उन्होंने सब में क्या मांगा है फॉरवर्ड डिस्काउंट पर फ्रैंक मतलब ऑन ऑन फ्रैंक मांगा है ओके ऑन फ्रैंक का मतलब क्या हुआ ऑन एक्स तो ऑन एक्स अगर मांगा है तो अपना फार्मूला एफ माइनस एस बाई एस नहीं जाएगा अपना फार्मूला जाएगा एस माइनस एफ बाई एफ ऑन वाई बोलता तो एफ माइनस एस ऑन एक्स बोला है इसलिए एस माइनस एफ स्पॉट माइनस फॉरवर्ड स्पॉट इज 7.05, पॉइंट फॉरवर्ड आपने अभी तुरंत कैलकुलेट किया है सेवन पॉइंट वन सेवन ना लोकेट ही जस्ट लूकेट दैट सेम वेट जस्ट नाउ आपको डिस्काउंट निकालने की जरूरत ही नहीं अपन तो प्रीमियम निकालते हैं प्रीमियम अगर नेगेटिव आया तो मतलब डिस्काउंट है डिस्काउंट पर फ्रैंक पर एनम

ये डिस्काउंट जब है तो माइनस थोड़ी ना लिखेंगे 6.3 लिखेंगे ना प्रीमियम लिखते और फिर माइनस 6.3 लिखते तो वो डिस्काउंट माना जाता लॉस इक्वल टू नेगेटिव का मतलब प्रॉफिट थोड़ी ना होता है मतलब वो डिस्काउंट ही दे रहे थे और डिस्काउंट के सामने माइनस नहीं लगा सकते ना सिक्स डिस्काउंट इक्वल टू सिक्स जैसे मैंने अभी यहाँ ठीक किया था ना आपने देखा नहीं ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट देखो आप मैंने प्रीमियम लिया तो आंसर माइनस में आया मैंने उसको वापस लिखा डिस्काउंट सिक्स पॉइंट सिक्स नाइन नेगेटिव नहीं लगाया मार्क उसमें ओके okay? उसी तरह से इन्होंने माइनस सिक्स पॉइंट थ्री लिखा है बट दैट मीन्स प्रीमियम ऑन एफ एफ आर इज माइनस दैट्स गिवन इन द सम एंड दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट फॉरवर्ड रेट तो अपने पास डिस्काउंट का डेटा है मैंने बोला आपको दिस सम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीमियम एंड डिस्काउंट एंड आई आर पी फार्मूला ओके तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा स्पॉट अपने को पता है वी कैन कैलकुलेट फॉरवर्ड रेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉरवर्ड रेट दे आर आस्किंग यू द इंटरेस्ट रेट फॉर फ्रैंक विच यू कैन कैलकुलेट दैट टू फॉर सिक्स मंथ दैट फार्मूला मैंने रेस्ट द पावर वाला ही लिखा है ये आंसर आएगा गाइस आई थिंक इट इज़ नाइक नाउ क्वाइट क्वाइट मैनेजेबल वन ईयर में तो कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है बिकॉज वन ईयर में तो वन आ जाएगा ऊपर में वन ना वन बाई फोर आएगा ना वन बाई टू आएगा बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ दैट कि आपको ये पता होना चाहिए कुछ बच्चे बोल रहे कि मैम एग्जाम में हम लोग क्या करें अजम्शन लिखो आगे बढ़ो उससे ज़्यादा मैं भी कुछ नहीं कर सकती बिकॉज जितना प्रॉब्लम में आप हैं उतनी ही प्रॉब्लम में मैं भी हूँ एंड डोंट टेक सो मच स्ट्रेस नॉट रिक्वायर्ड मैंने लिखा है एज पर द डेटा प्रोवाइडेड सम लुक्स लाइक अ एनुअल कंपाउंडिंग बट एज पर आई सी आई सोल्यूशन वी गेट आंसर ओनली इफ यू गो बाई क्वार्टरली और हाफ ईयरली कंपाउंडिंग नोट लिखा है मैंने यहाँ पे दट यू कैन जस्ट बी कम्फर्टेबल ओके आई थिंक आवर वॉट इज़ आई आर पी इक्वेशंस ऑफ आई आर पी इज कम्प्लीटली ओवर एंड वी नीड टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक रैशनैल वो क्विक होगा एंड फास्ट होगा नेक्स्ट टॉपिक इज रैशनल ऑफ आई आर ओके द लॉजिक इज की वाई आर वी स्टडिंग आई आर पी ओनली हम लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हैं आई आर पी की वो लॉजिक चल रहा है यहां पे ओके तो गज आई आर पी का लॉजिक ये है कि हमें पता चले कि आर्बिट्राज की पॉसिबिलिटी बनती है क्या नहीं बनती है तो सपोज करो एक नॉर्मल सम आता है ये दिस वुड बी द वेरी वेरी इजी टॉपिक बिकॉज मैंने आपका आईआरपी का टॉपिक चालू ही उसी सम से किया है मतलब क्या हुआ आपको इस टॉपिक के अंदर में वो चार डेटा देंगे एफ एस आई ए और आई बी और आपको पूछेंगे बताओ आर्बिट्राज पॉसिबल है क्या नहीं है तो आर्बिट्राज दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करा जा सकता है नंबर वन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू एंड नंबर टू यूएस पॉइंट ऑफ व्यू लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे आपसे करनी है वो ये है अगर उन्होंने बोला आपको एग्ज़ाम्पल याद है ना जो मैंने आई समझाने के लिए शुरू किया था यू में दस हज़ार बोरो करवाए थे फोर परसेंट की रेट पे टेन थाउजेंड फोर हंड्रेड हमें वापस करना था दस हज़ार डॉलर को स्पॉट पे कन्वर्ट किया इंडिया में इन्वेस्ट किया और पैसे वापस लेके गए यही प्रोसेस चार स्टेप तो वन फ्रॉम द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू एंड वन फ्रॉम द यूएस पॉइंट ऑफ व्यू ओके तो मैं क्या बोल रही हूँ आपको कि इसके अंदर में सपोज uh, करो कि आपको दिया है कि कंडक्ट आर्बिट्राज फ्रॉम यूएस पॉइंट ऑफ व्यू तो आप क्या करोगे आप यूएस में बोरो करना और इंडिया में इन्वेस्ट करना अगर आप इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे तो मतलब आप इंडिया में बोरो करोगे और यूएस में इन्वेस्ट करोगे आप बोलोगे मैं ऐसा क्यों मैं इंडियन होकर के यूएस में बॉरो क्यों नहीं कर सकता कर सकते हो मॉडल के अंदर में वो अलाउड नहीं है आईआरपी का मॉडल जो है उसके अंदर में यू विल ऑलवेज बोरो इन होम करेंसी एंड इन्वेस्ट इन द फॉरेन करेंसी ये चेंज नहीं होगा ओके okay? चार डेटा दिया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आप सम करोगे पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू दो तरह के सम्स इसके अंदर में बनते हैं नंबर वन एफ एस आई ए आई बी का डेटा दे दिया और बोलेगा आर्बिट्राज uh, पॉसिबल तो आपको पहले इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से करो तो हो सकता है आर्बिट्राज आ गया मतलब प्रॉफिट आ गई और फिर बोलेगा एंड अगर प्रॉफिट इंडिया को आ गई तो यूएस वाले को प्रॉफिट नहीं आएगी ओके okay? और अगर यूएस वाले को प्रॉफिट आ गई तो इंडिया वाले को नहीं आएगी ये ध्यान रखना आप कुछ डिस्क्लेमर्स भी हैं वो भी बताऊंगी आपको एक और वैरायटी बनती है उसके अंदर ये लोग बोलते हैं चेक फॉर आईआरपी एंड कंडक्ट आर्बिट्राज मतलब क्या हुआ पहले डिसाइड कर लो किसको आर्बिट्राज होगा जैसे थ्री पॉइंट आर्बिट्राज में अपन कर रहे थे ना सिमिलर ऑफ दैट सॉट एक्चुअली शुरू में पता लगा लो आर्बिट्राज इंडिया वाले को है कि यूएस वाले को है दोनों के लिए मत करो जिसके लिए है उसके लिए ही करो ये सेकेंड वरायटी के सम होगा तो मैंने सेकेंड वरायटी का सम लिया है ताकि मैं दोनों डिस्कस कर पाऊँ ओके बट जो मैंने अभी बोला कि अगर इंडिया वाले को आया तो यूएस को नहीं आएगा यूएस को आया तो इंडिया को नहीं आएगा ये बात तब सच साबित होगी अगर एफ एस आई ए और आई बी सिंगल सिंगल होगा मतलब बिड और आस्क नहीं होगा अगर बिड और आस्क हुआ तो यह बात कंप्लीटली गलत हो जाएगी मतलब इफ एट ऑल यू हैव एफ एस आई ए आई बी सिंगल सिंगल रेट नो बिड आस्क स्प्रेड और तब अगर इंडिया वाले को आर्बिट्राज की प्रॉफिट आई तो यूएस वाले को नहीं आएगी और यूएस वाले को आई तो इंडिया वाले को नहीं आएगी योर क्वेश्चन दो दो रेट हुए तो मतलब बिड और हुआ तो तो ये जो मैं गारंटी के साथ बोल रही हूं कि इंडिया को आया तो यूएस को नहीं आएगा यूएस को आया तो इंडिया ये बात मैं गारंटी नहीं ले पाऊंगी एंड इस सिचुएशन को बोला जाता है इफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट आर देयर देन आई आर पी विल नॉट होल्ड गुड आईआरपी की थ्योरी वहां पे एप्लीकेबल नहीं है मतलब आई की थ्योरी तभी एप्लीकेबल होगी व्हेन देर आर नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लाइक ब्रोकरेज लाइक कमीशन लाइक बिड आस्क स्प्रेड ओके लेट्स गो नाउ वी आर डूइंग वन सम हियर इट्स लाइक वेरी नाइस सम सम मैंने लिखा है गिवन स्पॉट रेट फोर्टी टू थ्री मंथ फॉरवर्ड रेट फोर्टी टू पॉइंट सेवन थ्री मंथ इंटरेस्ट रेट पर एन एम ट्वेल्व परसेंट पर एन एंड डॉलर का सेवन परसेंट का रेट है मैंने सब में क्या लिखा है चेक फॉर आई आर पी आप आई आर पी के लिए चेक करो इट्स अ सेकेंड कैटेगरी एक्चुअली ओके एंड कैरी आउट कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज यूजिंग वन थाउजेंड डॉलर और रुपीज फोर्टी टू थाउजेंड मतलब दोनों के लिए नहीं करना है पहले अपन चेक करेंगे चेक करने का मतलब होता है डेटा देख के लगा ना फार्मूला पहला वाला ही जाएगा एफ बाई एस वन प्लस एन आई ए वन प्लस एन आई बी आप करोगे कोई एक आइटम आप चूज कर लो साइलेंट करने के लिए मैं यहाँ पे चूज कर रही हूँ आई ए आई ए मतलब इक्वेशन में आपकी जो आई ए की रेट है उसको साइलेंट कर देंगे है बट अपन साइलेंट करेंगे और देखेंगे इन ऑर्डर टू आर्बिट्राज नॉट टू हैपन रेट क्या होनी चाहिए थी वो निकाला हम लोगों ने यहाँ पे तो रेट निकल के आती है थर्टीन पॉइंट सेवन एट की दैट मीन्स अगर रेट थर्टीन पॉइंट सेवन एट की होती तो आर्बिट्राज नहीं हो पाता मगर रेट है कितनी रियल में ट्वेल्व परसेंट की रेट है दैट एक सवाल कर रही हूं आपसे मैं मैं अगर मैं आपको कि आपके पास दोनों ऑप्शन है बोरो कर कर भी कर सकते हो और इन्वेस्ट भी कर सकते हो ओके okay? लेकिन मार्केट में रुपए का ब्याज का रेट होना चाहिए थावन एट मगर वो चल रहा है बारह आप क्या करोगे आप बोरो करोगे कि इन्वेस्ट करोगे डेफिनेटली आप बोरो करोगे आप इन्वेस्ट नहीं करोगे इन्वेस्ट क्यों नहीं करोगे बोरो क्यों करोगे क्योंकि जिस पैसे का 13.78 ब्याज लगना था वो 12 में अवेलेबल है तो मैं बोरो करूंगी बिकॉज रुपी इंटरेस्ट रेट इज रिलेटिवली अंडर वैल्यूड बिकॉज एक्चुअल आई ए इज लेस देन शुड बी आई एंड हेंस बोरोइंग इन रुपीज और मैं भी एक स्टेप और नीचे जाती हूं इफ रुपी इज रिलेटिवली अंडर वैल्यूड डॉलर इज रिलेटिवली ओवर वैल्यूड ओके तो बोरोइंग शुड हैपन इन रूपी एंड इन्वेस्टमेंट शुड हैपन इन डॉलर बोरोइंग रुपी में होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट डॉलर में होना चाहिए ये सिचुएशन किसको सूट कर रही है इंडियन को सूट कर रही है बिकॉज इंडियन अपनी करेंसी में बोरो करेगा और फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करेगा तो ये आर्बिट्राज इंडियन के लिए सुटेबल होगा यूएस वालों के लिए नहीं। ओके, okay? ये आल्सो इट ऑन कंपेयरिंग शुड बी आई ए एक्चुअल आई ए वी फाइंड दैट एक्चुअल आई ए इज लेस देन शुड बी आई ए विच मीन्स आई रुपी इज रिलेटिवली अंडर वैल्यूड एंड वाइस वर्सा आई डॉलर इज रिलेटिवली ओवर वैल्यूड हिंस बोरोइ शुड टेक प्लेस इन रुपीज एंड इन्वेस्टमेंट शुड टेक प्लेस इन डॉलर ओके टू अर्न आर्बिट्राज प्रॉफिट सिंस द सिचुएशन इज सुटेबल टू एन इंडियन वी विल अर्न एन आर्बिट्राज प्रॉफिट इफ एन इंडियन बोरोज इन रुपीज एंड इन्वेस्ट इन डॉलर गैस मैं कोई बात और बताती हूँ अगर आपने इसमें डॉलर को साइलेंट किया होता ना तो आपको पता है क्या होता डॉलर ओवर वैल्यूड आता मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि रेट सात से आप बोलो क्या होता न्यू मी रेट सात से कम आती चेक इट आउट ओके यहां स्टेप्स ये हुए स्टेप्स बिल्कुल अलग नहीं है जो शुरू मैंने चार स्टेप लिए थे आईआरपी समझाने के लिए बिल्कुल वही चार स्टेप मैंने लिए हैं बोरो अब क्योंकि ये रुपी बोरोइंग बेटर है यहां पे और इन्वेस्टमेंट इन डॉलर बेटर है तो बोरोइंग 42,000 की होगी ना कि डॉलर की, की होगी राइट तो बोरो 42,000 12 थाउजेंड ट्वेल्व परसेंट फॉर थ्री मंथ ये पैसे आपको वापस करने पड़ेंगे कन्वर्ट डॉलर सॉरी रुपीज़ फोर्टी टू थाउजेंड ऑन द स्पॉट ये पैसे आएंगे इन्वेस्ट करो तो ये पैसे आएंगे और वापस कन्वर्ट करोगे तो ये पैसे आएंगे आर्बिट्राज प्रोफिट ये रहा आपका बाई डिफॉल्ट नोटिस किया आपने रेट सिंगल सिंगल थी डिड यू नोटिस दैट थिंग इट्स देर इज नो बिड आस्क ये सिंगल 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 नो बिडास्क प्रैक्टिकल लाइफ में रेट सिंगल कभी नहीं होती हमेशा दो होती हैं बट सिंस आई आर पी इज अ थियोरेटिकल मॉडल वी आर कीपिंग द प्रैक्टिकल पार्ट एज साइलेंट ओके अगर ये सम में मैं चेक फॉर आई आर पी नहीं बोलती तो आप क्या करते आप दोनों से करते ओके इंडियन के लिए करा हुआ है डॉलर के लिए आप डॉलर में बोरो करते आउटफ्लो निकालते ऑन द बेसिस ऑफ सेवन परसेंट आप उसको कन्वर्ट कराते इंडिया में इन्वेस्ट करते और पैसा वापस लेके जाते एट द रेट ऑफ 42.7 आप करके देखना ट्राई करना आपको लॉस आएगा ओके okay? आगे बढ़ रही हूँ मैं गैस दिस इज अबाउट रैशनल ऑफ आईआरपी एक बात तो बताओ आर्बिट्राज की प्रॉफिट आती क्यों है ये सोचा है आपने कि क्यों आर्बिट्राज की प्रॉफिट आती होगी आर्बिट्राज की प्रॉफिट इसलिए आती है क्योंकि जहाँ पे कॉस्ट लगना चाहिए वहाँ पे कॉस्ट लग रहा है कम और जहाँ पे हमें मिलना चाहिए रिटर्न्स किसी भी तरीके से वो मिल रहा है रिलेटिवली ज़्यादा तो कॉस्ट कम लगने से पैसे बचते जा रहे हैं और जहाँ रिटर्न्स मिलना चाहिए वहाँ पे पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं विच अप एंड लीड्स टू आर्बिट्राज प्रॉफिट ओके तो वेन द कॉस्ट इज रिलेटिवली ऑन अ लोअर साइड एंड इफ द बेसिकली द रिटर्न आर ऑन रिलेटिवली हायर साइड अब देखो ना आपको एक चीज़ तो यहाँ पर दिख रही है रुपी का ब्याज 13.78 लगना सेवन खर्चा है ये कॉस्ट है लेकिन लगा कितना 12 तो पैसे बचे आपके एंड दैट इज यू यू कुड कुड अर्न आर्बिट्राज प्रॉफिट आई होप अंडरस्टैंड आर मेनी सम्स इन द प्रैक्टिस मैनुअल ओल्ड करिकुलम न्यू वालों को भी बोल रही हूँ आप ओल्ड करिकुलम के प्रैक्टिस मैनुअल को डाउनलोड करो आप खरीदो चार चैप्टर छोड़ दो बाकी सारे सम्स आपको एप्लीकेबल हैं आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस नहीं करोगे एस नहीं आएगा आपको करना मैं आगे बढ़ती हूँ आप पॉज लेके रिवाइज करना चाहते हो तो रिवाइज करो और आगे बढ़ना है तो मेरे साथ आप आगे बढ़ जाओ ओके सो नेक्स्ट टॉपिक विच इज कमिंग टू यू इज एप्लीकेशन ऑफ आईआरपी तो अगर याद होगा तो एप्लीकेशन में तीन पॉइंट बोले थे फॉरवर्ड कवर वर्सेस मनी मार्केट कवर शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अप्रेजल और इंटरनेशनल बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट मैं ले रही हूं फॉरवर्ड कवर वर्सेस मनी मार्केट कवर इंटरेस्टिंग टॉपिक बिफोर दैट वी शुड डेफिनेटली राइट द टॉपिक्स नेम हियर के नीचे ले रही हूं मैं फॉरवर्ड कवर ओके नाउ क्या होता है कवर वो सुनो हेजर कौन होता है गैस मैंने शायद आपको डिस्कस नहीं किया मार्केट के अंदर तीन तरह के प्लेयर्स होते हैं हेजर स्पेक्यूलेटर आर्बिट्राजर हेजर वो कौन होता है सपोज करो कि मेरा एक लाख डॉलर का माल मैंने इम्पोर्ट करा है तो मुझे डर लग रहा है रेट बढ़ने का रेट आज सत्तर की चल रही है मुझे लग रहा है रेट बढ़ नहीं जाए तो बेसिकली हु इज अ हेजर हेजर इज अ पर्सन हु डज नॉट गो टू द मार्केट इंटेंशनली बट द वेरी नेचर ऑफ हिज ऑपरेशन आर सच दैट ही इज फोर्स टू फेस द रिस्क ऑफ द मार्केट वो जानबूझ के मार्केट नहीं जाता उसके धंधे का नेचर है उसको फेस करना पड़ता है स्पेक्यूलेटर कौन होता है स्पेक्यूलेटर वो होता है जो प्राइस बिलीव रखता है मार्केट ऊपर जाएगा बाय मार्केट नीचे जाएगा सेल विथ अ लॉट ऑफ रिस्क एपेटाइट जर वो होता है जो दो मार्केट में अलग अलग रेट के ऊपर में प्ले करता है एक मार्केट में सौ रुपया एक मार्केट में 125 एक सौ पच्चीस रूपयाट हंड्रेड से वो कहलाएगा आरबी ट्राजर तो जो हैज्जर होता है ही विल ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज हिज आउट फ्लोज एंड मैक्माइज हिज his फ्लोज हु आर दे इम्पोर्टर एक्सपोर्टर बोरोवर इन्वेस्टर ब्रॉडली अगर मैं बोलूँ तो पेबल की करेंसी पेबल का कैटेगरी होती है और रिसिवेबल की कैटेगरी होती है अगर मैं ब्रॉडली बोलूं तो पेबल की कैटेगरी होती है और रिसिवल की कैटेगरी होती है पेबल में कौन कौन आएगा इंपोर्टर बोरोवर कैसे उनको फॉरन करेंसी में पेमेंट करनी होती है उनके पास है नहीं उनको बाय करना पड़ेगा रिसिबेबल या एक्सपोर्टर उसको डॉलर आएगा उसको बेचना बेचना पड़ेगा तो इम्पोर्टर को रेट बढ़ने का डर एक्सपोर्टर को रेट गिरने का डर एग्जाम्पल वाइज ओके सो हैजिंग कैन बी डन बाई वेरियस मेथड्स पॉइंट नंबर वन आप कुछ भी मत करो वेट करो बिलीव मी कोई भी बंदा लेजीनेस की वजह से वेट नहीं करता मेचोरिटी वाले डेट की कोई कैलकुलेशन के साथ करता है बट इफ ही इज नॉट बाइंग एनी कवर पॉसिबली ही इज नॉट टेकिंग एनी कवर दैट मीन्स ही हैज केप्ट हिस्स पोजिशन एज ओपन एंड दैट इज कॉल्ड नो कवर ओके अगर जाके मार्केट में फॉरवर्ड की रेट फिक्स कर लेता है पेबल होगा तो बाय करने के लिए रिसिवेबल होगा तो सेल करने के लिए दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड कवर अगर आज की रेट 70 है और तीन महीने के बाद की रेट 72 है एक लाख डॉलर खरीदना है बैंक ने फिक्स कर दिया तीन महीने के बाद भले मार्केट में रेट 75 की हो जाए यू विल पे एट द रेट ऑफ 72 पर डॉलर ओनली नीचे होगा तो भी 72 टू पर डॉलर एक और कवर है उसका नाम है मनी मार्केट कवर सो गज दिस टॉपिक विच आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ इज नथिंग बट तीन एप्लीकेशन मैंने दिया है इसमें आई का उसमें सबसे पहला एप्लीकेशन है फॉरवर्ड कवर वर्सेस मनी मार्केट कवर हेजिंग टूल है कोई भी आदमी जब कोई कवर फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक लाख डॉलर देना है आप सोचते होगे कि डिस्कशन क्यों चल रहा है डिस्कशन इसलिए चल रहा है गाइस बिकॉज़ आपका डॉलर एक लाख जो है ना इन में वो नहीं बदलेगा आप क्या कर सकते हो आप ज्यादा से ज्यादा उसका इक्वलेंट रुपी अमाउंट कम करने की कोशिश कर सकते हो उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते तो अगर कोशिश करनी है तो मेचोरिटी वाले दिन तो नहीं करेंगे जब भी करेंगे जीरो पे खड़े होकर करेंगे तो यू आर बेसिकली कॉन्टेम्पलेटिंग आप ये कोशिश कर रहे हो कि किसी भी तरीके से एक लाख डॉलर के ऊपर में कम से कम रुपया जाए एंड दैट इज़ वाई यू आर कॉन्टेम्पलेटिंग फॉरवर्ड कवर मनी मार्केट कवर नो कवर एंड सो ऑन और भी कवर्स हैं फ्यूचर्स कवर्स एंड ऑप्शन कवर यह आप डेरिवेटिव में पढ़ोगे ओके सो लेट एस स्टार्ट डिस्कसिंग फॉरवर्ड कवर वर्सेस मनी मार्केट कवर आगे बढ़ेगा इस ओके okay? नाउ एक सम लिया है मैंने इसके अंदर में वो सम आपको दिखाती हूं अब आपको बेसिकली uh, इतना मुश्किल नहीं लगनी चाहिए बिकॉज आप रेट्स के साथ में कंफर्टेबल हो चुके सब कुछ के साथ में मल्टीप्लाई डिवाइड प्रॉफिट लॉस नॉर्मल समझ एटलीस्ट इस कैटेगरी में तो नॉर्मल ही जाएगा ओके okay, तो मैं ले रही हूं ओके द सम इज एंड इंडियन फर्म मैंने दोनों सम का मतलब पेबल और रिसिवेबल का एक ही सम में एडजस्ट किया है सो दैट वी कैन मूव फास्टर एक्चुअली एंड इंडियन फर्म हैज डॉलर वन लाख पेबल एंड पाउंड टू लाख रिसिवेबल थ्री मंथ्स फ्रॉम नाउ ओके गिवन स्पॉट रेट दे रखी है आपको फोर्टी थ्री पॉइंट फाइव और फोर्टी की थ्री मंथ स्वाप पॉइंट दे रखा है ओके स्पॉट डॉलर पर पाउंड का रेट दे रखा है उसकी भी स्वाप पॉइंट दे रखी है एक लो हाई और एक हाई लो है थ्री मंथ इंटरेस्ट रेट्स भी दे रखा है मार्केट में सिंगल रेट नहीं होती बिडास्क दोनों होते हैं तो ब्याज की दोनों रेट है जब भी बोरो करोगे हाई रेट पे जब भी इन्वेस्ट करोगे लो रेट पे ओके हाउ शुड द फर्म हैज द पेबल एंड रिसिवेबल फॉरवर्ड कवर और मनी मार्केट कवर ये आपका क्वेश्चन है ओके मैंने पहले पेबल के लिए किया है ओके तो वैस यहाँ पे आप देखो आपका पेबल है आपको डॉलर देना है आप इंडिया में रहते हो आप डॉलर कहाँ से लाओगे आपको डॉलर खरीदना पड़ेगा बाय डॉलर इज योर रिक्वायरमेंट गो टू द रेट क्या आप डॉलर बाय कर सकते हो टेल मी कैन यू बाय डॉलर येस मैं डॉलर बाय कर सकती हूँ बिकॉज द शॉप बिलोंग्स टू डॉलर अगर हम डॉलर बाय करेंगे तो किस रेट पे आस्क रेट पे मगर वो स्पॉट रेट है अपने को फॉरवर्ड रेट लेना पड़ेगा एंड द रेलिवेंट स्वॉप इज दिस वन ओके 43.8 प्लस 0.3 क्यों लो हाई दैट रेट विल बिकम 43.8 प्लस 0.3 विल गिव अस 44.10 मतलब आप एक लाख डॉलर 44.10 पर डॉलर की रेट पे फॉरवर्ड बुक करोगे बैंक के साथ लुक एट हियर व्हाट आई सेड इज दिस वन एंड दिस वन मतलब अगर आपने फॉरवर्ड के हिसाब से पेमेंट किया तो तीन महीने के बाद आपके घर से जाएंगे फोर्टी फोर लैख टेन थाउजेंड रुपीज ओके okay? एक और बाकी है एंड दैट इज मनी मार्केट कवर वो समझाना पड़ेगा मुझे आपको डिटेल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा लेक्चर चल रहा है अगर पेबल का सम आया तो मनी मार्केट कवर में होगा तीन स्टेप इन्वेस्ट बाय बोरो आप याद कर लो इन्वेस्ट बाय बोरो ओके क्या इन्वेस्ट क्या बाय क्या बोरो वो मैं डिस्कस करूंगी अभी आपके साथ में ओके okay? ना इन्वेस्ट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डॉलर वन लैख एट द रेट ऑफ फोर परसेंट फॉर थ्री मंथ ओके मतलब मैंने क्या बोला जो आपका डॉलर है इन्वेस्ट द प्रेजेंट मैं लॉजिक समझाऊंगी प्लीज आप मुझे एक मिनट दो इन्वेस्ट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डॉलर वन लैख एट द रेट ऑफ फोर परसेंट फॉर थ्री मंथ मतलब वन लैख डॉलर का invest. Invest. Okay? तो चार परसेंट इन्वेस्ट इन्वेस्ट ओके तो रेट क्या ली चार क्यों आप देखो यहाँ पे खुद से ये छोटी वाली रेट इन्वेस्ट के लिए राइट यहां पे. तो इन्वेस्ट द प्रेजेंट वैल्यू डॉलर वन लैक एट द रेट ऑफ फोर परसेंट फॉर थ्री मंथ मतलब आपको एक लाख डॉलर का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है चार परसेंट पूरे साल की ब्याज है तीन महीने की रेट होगी एक परसेंट साल का चार परसेंट एक क्वार्टर का एक परसेंट हियर एडजस्टमेंट दिख रही है आपको यहां पे राइट तो प्रेजेंट वैल्यू आया ये ओके अब यही जो अमाउंट आंसर आया इसको आप मार्केट में जाके स्पॉट में बाय करो स्पॉट में बाय करोगे अगर ये तो रुपया जाएगा कितना इतना इतना आपका रुपया जाएगा रुपया आपके पास है नहीं अगर आपके पास रुपया होता तो अपने क्लाइंट को देते ना अपन तीन महीने के क्रेडिट ही क्यों लेते रुपया है नहीं मेरे पास मैं बैंक से पैसा बोरो करूंगी लोकल बैंक से तो बोरो करूंगी तो बैंक मुझे 11 परसेंट का रुपी पे ब्याज लगाएगा आप देखो यहाँ पे 11 परसेंट बोरो की रेट ज़्यादा वाली ओके okay? और वो रेट से आंसर आएगा ये वाला फॉरवर्ड मार्केट में आंसर आया था फोर्टी फोर 10,000 टेन थाउजेंड मनी मार्केट कवर में ज़्यादा आया वी वुड रेकमेंड फॉरवर्ड कवर लेकिन आप बोलोगे मैम आपने मनी मार्केट कवर का हमें लॉजिक नहीं बताया अब लॉजिक सुनना ध्यान से आपको तीन महीने के बाद यूएस जाना है मुझे यूएस जाना है तीन महीने के बाद उस वक्त मुझे एक लाख डॉलर लगेंगे ओके तो मैं क्या सोच रही हूँ कि क्यों नहीं आज मैं इतना डॉलर इन्वेस्ट कर दूँ जो ब्याज समेत बन जाएगा एक लाख डॉलर तो मैं आज एक लाख डॉलर इन्वेस्ट करूँ कि एक लाख से कम एक लाख से कम फर्स्ट स्टेप लुक एट दैट मतलब अगर आज मैं नाइनटी नाइन थाउजेंड नाइन डॉलर इन्वेस्ट करूंगी तो वो ब्याज के साथ एक लाख डॉलर तीन महीने के बाद बन जाएगा लेकिन मेरे पास तो वो डॉलर है नहीं मैं इंडिया में रहती हूँ ना मेरे पास तो डॉलर है नहीं मुझे डॉलर बाय करना पड़ेगा और डॉलर बाय करोगे तो रुपया देना पड़ेगा रुपया दोगे तो सामने वाला डॉलर देगा आपको राइट तो कितना रुपया देना पड़ेगा फोर्टी थ्री थर्टी सिक्स सिक्स थर्टी थ्री पॉइंट सिक्स टू इतना रुपया आपको देना पड़ेगा और ये मेरे पास पैसे हैं नहीं तो मैं चली गई बैंक के पास पैसा मांगने लोकल बैंक के पास और उसको बोला कि बॉस तू मुझे ये पैसा दे दे मैं तेरे को तीन महीने के बाद पैसा लौटा दूंगी ब्याज के साथ एक्चुअली सम है ना लिखते अपन टॉप टू बॉटम है बट सम बॉटम टू टॉप जा रहा है बेसिकली क्या हो रहा है ये पैसे आप बोरो करोगे उससे आप ये डॉलर खरीदोगे और आप वो डॉलर को इन्वेस्ट करोगे जो कि बन जाएगा एक लाख डॉलर तीन महीने के बाद दिस इज मनी मार्केट कवर वी रिकमेंड फॉरवर्ड कवर बिकॉज द आउटफ्लो वुड बी लोअर अगर सम रिसिवेबल के लिए हो जाए तो यह खत्म हो जाएगा राइट right? आगे बढ़ रहे हैं फॉरवर्ड कवर इज बेटर नाउ रिसबल इक्वल टू पाउंड टू लैख ओके पाउंड टू लैख में इंडियन कंपनी है और उसका दो लाख पाउंड आने वाला है प्रॉब्लम क्या है कि सम के अंदर में रुपी पर पाउंड की रेट नहीं दे रखी आप चेक करो ओके okay? तो मैं क्या बोल रही हूं कि अगर रुपए पर पाउंड नहीं दे रखा है तो हम कैलकुलेट भी तो कर सकते हैं एक बात ध्यान रखना आपको फॉरवर्ड कवर में फॉरवर्ड की रेट लगेगी आप देखो यहां पे ये रेट लगेगी आपको सम को करने के लिए याद रखना हमेशा ओके रुपये पर डालो की फॉरवर्ड रेट है मगर मनी मार्केट कवर में आपको स्पॉट की रेट लगेगी ये वाली मतलब आपको अगर रिसिवेबल का सम करना है फॉरवर्ड और मनी मार्केट का तो आपके पास दोनों रेट रुपी पर पाउंड की होनी चाहिए रुपी पर पाउंड फॉरवर्ड एंड रुपी पर पाउंड स्पॉट है नहीं वी विल यूज क्रॉस करेंसी टू कैलकुलेट द सेम ओके आपको याद है ना वन इंटू थ्री टू इंटू फोर ओके आई रिटन सिंस रुपी पर पाउंड रेट इज नॉट गिवन डायरेक्टली वी विल हैव टू कंप्यूट क्रॉस करेंसी रेट सबसे पहले स्पॉट स्पॉट रुपी पर डॉलर 43.5, 43.8 दिया हुआ है सौ पॉइंट्स लो हाई ऐड कर दिया राइट उसके बाद स्पॉट डॉलर पर पाउंड तो थ्री मंथ फॉरवर्ड 40, सिंस रुपी पर पाउंड इज नॉट गिवन डायरेक्टली वी विल हैव टू कंप्यूट क्रॉस करेंसी रेट्स, स्पॉट रुपी पर डॉलर 43.5, 43.8 फॉरवर्ड रेट निकाला है 43.5 प्लस 0.2 एंड 43.8 प्लस 0.3 क्यों क्योंकि सॉप पॉइंट लो हाई थे तो रेट आ गई अपनी फिर फॉरवर्ड स्पॉट रेट निकाला डॉलर पाउंड का तो स्पॉट तो दिया हुआ है हाई लो लिया है अपने लोगों ने हाई लो बिकॉज द स्वॉप पॉइंट आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर हाई लो है राइट right? तो माइनस करेंगे अपन है ना तो यहां पे ये रेट आ गई अब इफ़ यू सी गाइज में एक चीज़ दिखा रही थी रुपी पर डॉलर की रेट दे रखी है और डॉलर पर पाउंड की रेट दे रखी है ये डायगेनल मैच कर रहा है ना आपका ये डाइगेनल आपका मैच कर रहा है ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा वन इंटू थ्री टू इंटू फोर राइट तो लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि स्पॉट को कम्बाइन करना इसके साथ और फॉरवर्ड को कम्बाइन करना फॉरवर्ड के साथ टाइम लाइन पर दोनों सेम जगह होने चाहिए क्रॉस करेंसी की रेट निकाली तो ये रेट्स आ गए आपके राइट रिसिबेबल है करेंसी आने वाली है पाउंड बेचना है बेच सकते हैं बेच सकते हैं शॉप है अपने पास में ओके okay, ना उसके बाद अगर बेचोगे अगर फॉरवर्ड लेते हो तो रेट आप कौन सी लोगे रेट आप लोगे ये वाली 91.486 फॉरवर्ड की रेट ये वाली रेट ये रेट लगेगी बिकॉज आप पाउंड सेल करोगे बैंक को बैंक आपको कम पैसा देगा तो ये रेट पे आप पैसे निकाल लो कन्वर्ट करोगे राइट right? मनी मार्केट कवर में जैसे आपने वहां पे इन्वेस्ट बाय बोरो किया था यहाँ पे आप उल्टा करोगे बोरो सेल इन्वेस्ट लेकिन दोनों याद मत करना पेबल का याद करो रिसिबल का आप रिवर्स कर देना ओके okay? तो बोरो सेल इन्वेस्ट कैसे आपको बिल डिस्काउंटिंग पता है ना बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है अगर सपोज करो कि मैंने किसी को माल बेचा मैंने किसी को माल बेचा तो अगर और वो सामने वाला बोल रहा है कि मैं आपको पैसा चार महीने के बाद छः महीने के बाद दूंगा वॉट तो मेरा तो पैसा अटक गया मेरी लिक्विडिटी भी स्पॉइल हो गई तो मैं क्या करूँगी वो जो माल मैंने बेचा है ना वो शिप वो डॉक्यूमेंट्स जो है मेरे पास वो ले जाके बैंक को दे दूंगी आपको पता होना चाहिए डिस्काउंटिंग ना आई एम श्योर एवरीबडी नोज दैट राइट तो बैंक को ले जाके दे दूंगी बैंक को बोलूंगी बॉस सपोज दस लाख का इन्वाइस है तो बैंक को बोलूंगी कि बॉस तू ये सारे पेपर्स रख ले और इसका तीन महीने का ब्याज काट के तू मेरे को आज पैसा दे दे मेरे को धंधे के लिए पैसा चाहिए राइट right? बैंक बोलेगा ठीक है तो मेरा तो बिजनेस चालू हो गया वापस मैंने री कर दिया वो पैसा और जब वो पैसे आएंगे ना तो वो पैसे सीधा बैंक को ही जाएंगे, लेकिन बैंक को कितना आएगा दस लाख पूरा आएगा और बैंक ने मुझे कितना दिया? दस से कम लूंगी सेम गाइज एवरीथिंग सेम इन दिस सिर्फ एक फर्क आएगा बिल्ट डिस्काउंटिंग में आपने लोकल का सम किया होगा करेक्ट है इसमें एक स्टेप और आएगा कन्वर्जन का बाकी पूरा का पूरा सेम है मैं आपको दिखाती हूँ बोरो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टू लैख पाउंड एट एट परसेंट बोरो कर लिया ओके okay. उसके बाद आ, पाउंड की वैल्यू आई ये जो पाउंड लिए ये मार्केट में ले जाके बेच दिए और धंधे में वापस इन्वेस्ट कर लिए मतलब वो जो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने माल एक्सपोर्ट किया था वो मैंने बैंक को ले जाके दे दिए बस तू रख ले ये पैसे ये और मुझे तो दो लाख पाउंड का प्रेजेंट वैल्यू दे क्यों क्योंकि बैंक को दो लाख पाउंड आएगा तीन महीने के बाद ज़्यादा नहीं आएगा तो मैं बैंक से कम लूँगी ब्याज काट के तो जब दो लाख पाउंड आएगा तो ब्याज भी पे हो गया राइट तो मैं पाउंड का इंडिया में करूँ क्या मार्केट में ले जाके स्पॉट पर बेच दूंगी और बेच के धंधे में वापस इन्वेस्ट कर लूंगी यही तीन स्टेप हैं इसके ये तो और भी आसान है ओके तो दीज आर द थ्री स्टेप्स एंड इट यू गेट 183.98 एटी थ्री नाइनटी एट हियर मनी मार्केट इज बेटर बिकॉज द इनफ्लो इज मोर आई होप गाइज आपको समझा है कोई डाउट होगा प्लीज़ मेल करो व्हाट्सएप करो आई एम श्योर आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट कंप्लीटली ओके आगे बढ़ते हैं अपन अगर आपको रिवाइज करना है तो आप पॉज करो